तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं लाठी मूवी की। जी हाँ दोस्तों, विशाल का एक्शन ड्रामा छोटी मोटी खामियों से भरपूर है ये मूवी। निर्देशक विनोद कुमार की लाठी, जिसमें विशाल, सुनैना और रमाना ने अभिनय किया है। उत्कृष्ट स्टंट कोरियोग्राफी के साथ एक सम्मोहक एक्शन ड्रामा है। हमारी परीक्षा कहती है कि फिल्म अधिकांश भाग में आपका ध्यान खींचने में सफल रहती है। विशाल को सुपरहिट फिल्म दिए हुए काफ़ी समय भी हो चुका है। इवरुम्बू थिराई के बाद विशाल की कुछ फिल्में हैं जिन्हें मिश्रित क्षमता मिली, जबकि अन्य बिना किसी निशान के चली गई। अब विशाल लाठी के साथ वापस आ गए हैं, जो एक और पुलिस ड्रामा है जिसका उद्देश्य उसी तरह की फिल्मों से अलग होना है। क्या उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा किया? ये तो दोस्तों हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। एक क्रूर बलात्कार होता है और पुलिस अपराधी की तलाश में है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस कांस्टेबल मुरुगनाथम को सच कबूल कराने के लिए, उसे कड़ी फटकार लगाने के लिए कहा गया। बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्होंने एक व्यक्ति पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया है। मानवाधिकार मामले के बाद गुरु गनाथम को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया। एक दिन गुरु मथान का सामना गलती से उस अपराधी से हो जाता है जिसने जघन्य अपराध किया था। इसने उसके जीवन और करियर की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। क्या मुरुगनाथम अपराधी के प्रकोप से बच जाता है? क्या वह उस महिला को न्याय दिलवाएंगे जिसकी दुखद मौत हो गई? लाठी के पास उन सवालों के जवाब हैं। विनोद कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित लाठी एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को काफ़ी हद तक आश्चर्यचकित करती है। ऐसे समय में जब कॉलीवुड में पुलिस व्यवस्था में बेहतर पदनाम वाले पुलिसकर्मियों के बारे में फिल्मों का बोलबाला है, यह फिल्म एक पुलिस कांस्टेबल के बारे में है। एक ऐसा चरित्र जिसे तमिल सिनेमा में बड़े पैमाने पर नहीं देखा गया है। एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में विशाल कायल है। वह नौकरी की वैधता को सामने लाता है और दिखाता है कि कैसे सिस्टम निचली श्रेणी के कर्मचारियों का समर्थन नहीं करता है। उन्हें लाठी विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है और यही कारण है कि उन्हें निलंबित कर दिया गया है। फिल्म कुछ हद तक पुलिस की बर्बरता का भी महिमामंडन करती है। 6 महीने बाद जब वह बहाल होता है तो उसे लाठी छूने से डर लगता है। ये कुछ शानदार स्पर्श हैं जो आपको पहले भाग में मंत्रमुग्ध कर देते हैं। जहां विशाल को एक गैर वीर भूमिका वाली एंट्री मिलती है, वहीं खलनायक को पूरी फिल्म में प्रचारित किया जाता है। पहले भाग में खलनायक नकाबपोश होता है, लेकिन जो लोग कॉलीवुड को फॉलो करते हैं वे बड़े खुलासे से पहले ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि खलनायक कौन है। लाठी फिर चूहे बिल्ली का खेल बन जाती है, जो दिलचस्प है। विनोद कुमार ने अधिकांश भाग में रहस्य बनाए रखने का असाधारण काम किया है। हालांकि लेथ बिना खामियों वाली फिल्म नहीं है। जब फिल्में बलात्कार के बारे में बात करती हैं तो क्रूरता को स्क्रीन पर दिखाने के बारे में सोच समझकर निर्णय लेने की जिम्मेदारी पूरी तरह से निर्देशक के होती है।
लाठी में बलात्कार बहुत अधिक ग्राफिक और अरुचिकर तरीके से किया गया है। हम इस बात से सहमत हैं कि उनके साथ बलात्कार हुआ था, लेकिन उसे दोबारा देखने की कोशिश कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कुछ डायलॉग्स बेहद बचकाने और हास्यास्पद हैं। क्लाइमैक्स भी एक बिंदु से आगे खींचा गया है। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म शानदार स्टंट कोरियोग्राफी पर आधारित है और उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कैसे पीटर हैन को साधुवाद जिन्होंने सावधानीपूर्वक स्टंट दृश्यों को डिज़ाइन किया। लाठी पति पत्नी के बीच संतुलित रिश्ते को दिखाने का भी अच्छा काम करती है। यह आपको पालन पोषण की अच्छी सीख भी देता है। जब मुरुगनाथम और उसकी पत्नी सुनैना के बेटे रासू को घबराहट के दौरे पड़ते हैं तो वह उसे उसके लिए सही मदद लेते हैं। ये एक स्वागत योग्य बदलाव है, खासकर तब जब हम फिल्मों से परेशान करने वाले बच्चों को देखने के आदि हो गए हैं। विशाल के लिए लाठी उन कमज़ोर फिल्मों से अलग हैं जिनका वह पिछले कुछ वर्षों में हिस्सा रहे थे। फिल्म में विशाल ने शादी हुई परफॉर्मेंस देने की पूरी कोशिश की। सुनैना, रमाना, प्रभु, लिरिसा, राघव और कई अन्य लोगों ने प्रदर्शन के मामले में मुख्य कलाकारों की सहायता की। बाला सुब्रमण्यम और बालकृष्ण थोटा की सिनेमाग्राफी और संगीतकार युवान शंकर राजा के संगीत ने फिल्म को बढ़ाने में मदद की। कुल मिलाकर लाठी एक अलग पुलिस वाली फिल्म है और अधिकांश भाग में आकर्षक है। लाठी को 5 में से 2 पॉइंट स्टार दिए गए हैं और IMDb में भी इसको दोस्तों अच्छे स्टार मिले हैं। 10 में से 6 के करीब इसको स्टार IMDb पे भी मिले हैं। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको एक बार देखनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो मूवी को जा करके जल्दी से जल्दी देखिए। आप इस मूवी को ऑनलाइन कहाँ देख सकते हैं मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ इसी वीडियो में कि आप इस मूवी को ऑनलाइन कैसे और कहाँ देख सकते हैं। ये जो मूवी है दोस्तों हिंदी में भी आ गई है। आप इस मूवी को Amazon Prime पे जा कर के ईज़िली देख सकते हैं। Amazon Prime पे ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है। इसको 6.5 की रेटिंग मिली है IMDb पे। बहुत ज़बरदस्त मूवी होने वाली है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर YouTube चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं लाठी मूवी की। जी हाँ दोस्तों, विशाल का एक्शन ड्रामा छोटी मोटी खामियों से भरपूर है ये मूवी। निर्देशक विनोद कुमार की लाठी, जिसमें विशाल, सुनैना और रमाना ने अभिनय किया है। उत्कृष्ट स्टंट कोरियोग्राफी के साथ एक सम्मोहक एक्शन ड्रामा है। हमारी परीक्षा कहती है कि फिल्म अधिकांश भाग में आपका ध्यान खींचने में सफल रहती है। विशाल को सुपरहिट फिल्म दिए हुए काफ़ी समय भी हो चुका है। इब्रुम्बू थिराई के बाद विशाल की कुछ फिल्में हैं जिन्हें मिश्रित क्षमता मिली, जबकि अन्य बिना किसी निशान के चली गई। अब विशाल लाठी के साथ वापस आ गए हैं, जो एक और पुलिस ड्रामा है जिसका उद्देश्य उसी तरह की फिल्मों से अलग होना है। क्या उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा किया? ये तो दोस्तों हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। एक क्रूर बलात्कार होता है और पुलिस अपराधी की तलाश में है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस कांस्टेबल मुरुगनाथम को सच कबूल कराने के लिए उसे कड़ी फटकार लगाने के लिए कहा गया। बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्होंने एक व्यक्ति पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया है। मानवाधिकार मामले के बाद गुरु गनाथम को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। एक दिन गुरु मथान का सामना गलती से उस अपराधी से हो जाता है जिसने जघन्य अपराध किया था।
इसने उसके जीवन और करियर की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। क्या मुरुगनाथम अपराधी के प्रकोप से बच जाता है? क्या वह उस महिला को न्याय दिलवाएंगे जिसकी दुखद मौत हो गई? लाठी के पास उन सवालों के जवाब हैं। विनोद कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित लाठी एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को काफ़ी हद तक आश्चर्यचकित करती है। ऐसे समय में जब कॉलीवुड में पुलिस व्यवस्था में बेहतर पदनाम वाले पुलिसकर्मियों के बारे में फिल्मों का बोलबाला है, यह फिल्म एक पुलिस कांस्टेबल के बारे में है। एक ऐसा चरित्र जिसे तमिल सिनेमा में बड़े पैमाने पर नहीं देखा गया है। एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में विशाल कायल है। वह नौकरी की भेद्यता को सामने लाता है और दिखाता है कि कैसे सिस्टम निचली श्रेणी के कर्मचारियों का समर्थन नहीं करता है। उन्हें लाठी विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है और यही कारण है कि उन्हें निलंबित कर दिया गया है। फिल्म कुछ हद तक पुलिस की बर्बरता का भी महिमामंडन करती है। 6 महीने बाद जब वह बहाल होता है तो उसे लाठी छूने से डर लगता है। ये कुछ शानदार स्पर्श हैं जो आपको पहले भाग में मंत्रमुग्ध कर देते हैं। जहां विशाल को एक गैर वीर भूमिका वाली एंट्री मिलती है, वहीं खलनायक को पूरी फिल्म में प्रचारित किया जाता है। पहले भाग में खलनायक नकाबपोश होता है, लेकिन जो लोग कॉलीवुड को फॉलो करते हैं वे बड़े खुलासे से पहले ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि खलनायक कौन है। लाठी फिर चूहे बिल्ली का खेल बन जाती है जो दिलचस्प है। विनोद कुमार ने अधिकांश भाग में रहस्य बनाए रखने का असाधारण काम किया है। हालांकि लेथ बिना खामियों वाली फिल्म नहीं है। जब फिल्में बलात्कार के बारे में बात करती हैं तो क्रूरता को स्क्रीन पर दिखाने के बारे में सोच समझकर निर्णय लेने की जिम्मेदारी पूरी तरह से निर्देशक के होती है। लाठी में बलात्कार बहुत अधिक ग्राफिक और अरुचिकर तरीके से किया गया है। हम इस बात से सहमत हैं कि उनके साथ बलात्कार हुआ था, लेकिन उसे दोबारा देखने की कोशिश कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कुछ डायलॉग्स बेहद बचकाने और हास्यास्पदा हैं। क्लाइमैक्स भी एक बिंदु से आगे खींचा गया है। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म शानदार स्टंट कोरियोग्राफी पर आधारित है और उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कैसे पीटर हैन को साधुवाद जिन्होंने सावधानी पूर्वक स्टंट दृश्यों को डिज़ाइन किया। लाठी पति पत्नी के बीच संतुलित रिश्ते को दिखाने का भी अच्छा काम करती है। यह आपको पालन पोषण की अच्छी सीख भी देता है। जब मुरुगनाथम और उसकी पत्नी सुनैना के बेटे रासू को घबराहट के दौरे पड़ते हैं तो वह उसके लिए सही मदद लेते हैं। ये एक स्वागत योग्य बदलाव है, खासकर तब जब हम फिल्मों से परेशान करने वाले बच्चों को देखने के आदि हो गए हैं। विशाल के लिए लाठी उन कमज़ोर फिल्मों से अलग हैं जिनका वह पिछले कुछ वर्षों में हिस्सा रहे थे। फिल्म में विशाल ने शादी हुई परफॉर्मेंस देने की पूरी कोशिश की। सुनैना, रमाना प्रभु, लिरिसा राघव और कई अन्य लोगों ने प्रदर्शन के मामले में मुख्य कलाकारों की सहायता की। बाला सुब्रमण्यम और बालकृष्ण थोटा की सिनेमाग्राफी और संगीतकार युवान शंकर राजा के संगीत ने फिल्म को बढ़ाने में मदद की। कुल मिलाकर लाठी एक अलग पुलिस वाली फिल्म है और अधिकांश भाग में आकर्षक है। लाठी को 5 में से 2 पॉइंट स्टार दिए गए हैं और IMDB में भी इसको दोस्तों अच्छे स्टार मिले हैं। 10 में से 6 के करीब इसको स्टार IMDB पे भी मिले हैं। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको एक बार देखनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो
इस वीडियो मूवी को जा करके जल्दी से जल्दी देखिए। आप इस मूवी को ऑनलाइन कहाँ देख सकते हैं, मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ इसी वीडियो में कि आप इस मूवी को ऑनलाइन कैसे और कहाँ देख सकते हैं। ये जो मूवी है दोस्तों हिंदी में भी आ गई है। आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम पे जा कर के इजीली देख सकते हैं। अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है। इसको 6.5 की रेटिंग मिली है IMDb पे। बहुत ज़बरदस्त मूवी होने वाली है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं लाठी मूवी की। जी हाँ दोस्तों, विशाल का एक्शन ड्रामा छोटी मोटी खामियों से भरपूर है ये मूवी। निर्देशक विनोद कुमार की लाठी, जिसमें विशाल, सुनैना और रमाना ने अभिनय किया है। उत्कृष्ट स्टंट कोरियोग्राफी के साथ एक सम्मोहक एक्शन ड्रामा है। हमारी परीक्षा कहती है कि फिल्म अधिकांश भाग में आपका ध्यान खींचने में सफल रहती है। विशाल को सुपरहिट फिल्म दिए हुए काफ़ी समय भी हो चुका है। इवरुम्बु थिराई के बाद विशाल की कुछ फिल्में हैं जिन्हें मिश्रित क्षमता मिली, जबकि अन्य बिना किसी निशान के चली गई। अब विशाल लाठी के साथ वापस आ गए हैं, जो एक और पुलिस ड्रामा है जिसका उद्देश्य उसी तरह की फिल्मों से अलग होना है। क्या उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा किया? ये तो दोस्तों हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। एक क्रूर बलात्कार होता है और पुलिस अपराधी की तलाश में है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस कांस्टेबल मुरुगनाथम को सच कबूल कराने के लिए उसे कड़ी फटकार लगाने के लिए कहा गया। बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्होंने एक व्यक्ति पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया है। मानवाधिकार मामले के बाद गुरु गनाथम को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। एक दिन गुरु मथान का सामना गलती से उस अपराधी से हो जाता है जिसने जघन्य अपराध किया था। इसने उसके जीवन और करियर की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। क्या मुरुगनाथम अपराधी के प्रकोप से बच जाता है? क्या वह उस महिला को न्याय दिलवाएंगे जिसकी दुखद मौत हो गई? लाठी के पास उन सवालों के जवाब हैं। विनोद कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित लाठी एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को काफ़ी हद तक आश्चर्यचकित करती है। ऐसे समय में जब कॉलीवुड में पुलिस व्यवस्था में बेहतर पदनाम वाले पुलिसकर्मियों के बारे में फिल्मों का बोलबाला है, यह फिल्म एक पुलिस कांस्टेबल के बारे में है। एक ऐसा चरित्र जिसे तमिल सिनेमा में बड़े पैमाने पर नहीं देखा गया है। एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में विशाल कायल है। वह नौकरी की भेद्यता को सामने लाता है और दिखाता है कि कैसे सिस्टम निचली श्रेणी के कर्मचारियों का समर्थन नहीं करता है। उन्हें लाठी विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है और यही कारण है कि उन्हें निलंबित कर दिया गया है। फिल्म कुछ हद तक पुलिस की बर्बरता का भी महिमामंडन करती है। 6 महीने बाद जब वह बहाल होता है तो उसे लाठी छूने से डर लगता है। ये कुछ शानदार स्पर्श हैं जो आपको पहले भाग में मंत्रमुग्ध कर देते हैं। जहां विशाल को एक गैर वीर भूमिका वाली एंट्री मिलती है, वहीं खलनायक को पूरी फिल्म में प्रचारित किया जाता है। पहले भाग में खलनायक नकाबपोश होता है, लेकिन जो लोग कॉलीवुड को फॉलो करते हैं वे बड़े खुलासे से पहले ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि खलनायक कौन है। लाठी फिर चूहे बिल्ली का खेल बन जाती है जो दिलचस्प है। विनोद कुमार ने अधिकांश भाग में रहस्य बनाए रखने का असाधारण काम किया है। हालांकि लेथ बिना खामियों वाली फिल्म नहीं है। जब फिल्में बलात्कार के बारे में बात करती हैं तो क्रूरता को स्क्रीन पर दिखाने के बारे में सोच समझकर
निर्णय लेने की जिम्मेदारी पूरी तरह से निर्देशक के होती है। लाठी में बलात्कार बहुत अधिक ग्राफिक और अरुचिकार तरीके से किया गया है। हम इस बात से सहमत हैं कि उनके साथ बलात्कार हुआ था, लेकिन उसे दोबारा देखने की कोशिश कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कुछ डायलॉग्स बेहद बचकाने और हास्यास्पद हैं। क्लाइमैक्स भी एक बिंदु से आगे खींचा गया है। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म शानदार स्टंट कोरियोग्राफी पर आधारित है और उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कैसे पीटर हैन को साधुवाद जिन्होंने सावधानीपूर्वक स्टंट दृश्यों को डिज़ाइन किया। लाठी पति पत्नी के बीच संतुलित रिश्ते को दिखाने का भी अच्छा काम करती है। यह आपको पालन पोषण की अच्छी सीख भी देता है। जब मुरुगनाथम और उसकी पत्नी सुनैना के बेटे रासू को घबराहट के दौरे पड़ते हैं, तो वह उसे उसके लिए सही मदद लेते हैं। ये एक स्वागत योग्य बदलाव है, खासकर तब जब हम फिल्मों से परेशान करने वाले बच्चों को देखने के आदी हो गए हैं। विशाल के लिए लाठी उन कमज़ोर फिल्मों से अलग हैं जिनका वह पिछले कुछ वर्षों में हिस्सा रहे थे। फिल्म में विशाल ने सादी हुई परफॉर्मेंस देने की पूरी कोशिश की। सुनैना, रमाना, प्रभु, लिरिसा राघव और कई अन्य लोगों ने प्रदर्शन के मामले में मुख्य कलाकारों की सहायता की। बाला सुब्रमण्यम और बालकृष्ण थोटा की सिनेमाग्राफी और संगीतकार युवान शंकर राजा के संगीत ने फिल्म को बढ़ाने में मदद की। कुल मिलाकर लाठी एक अलग पुलिस वाली फिल्म है और अधिकांश भाग में आकर्षक है। लाठी को 5 में से 2 पॉइंट स्टार दिए गए हैं और IMDb में भी इसको दोस्तों अच्छे स्टार मिले हैं। 10 में से 6 के करीब इसको स्टार IMDb पे भी मिले हैं। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको एक बार देखनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो मूवी को जा करके जल्दी से जल्दी देखिए। आप इस मूवी को ऑनलाइन कहाँ देख सकते हैं, मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ इसी वीडियो में कि आप इस मूवी को ऑनलाइन कैसे और कहाँ देख सकते हैं। ये जो मूवी है दोस्तों हिंदी में भी आ गई है। आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम पे जा कर के ईज़िली देख सकते हैं। अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है। इसको 6.5 की रेटिंग मिली है IMDb पे। बहुत ज़बरदस्त मूवी होने वाली है। सो हेलो गाइज़, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं लाठी मूवी की। जी हाँ दोस्तों, विशाल का एक्शन ड्रामा छोटी मोटी खामियों से भरपूर है ये मूवी। निर्देशक विनोद कुमार की लाठी, जिसमें विशाल, सुनैना और रमाना ने अभिनय किया है। उत्कृष्ट स्टंट कोरियोग्राफी के साथ एक सम्मोहक एक्शन ड्रामा है। हमारी परीक्षा कहती है कि फिल्म अधिकांश भाग में आपका ध्यान खींचने में सफल रहती है। विशाल को सुपरहिट फिल्म दिए हुए काफ़ी समय भी हो चुका है। इवरुम्बु थिराई के बाद विशाल की कुछ फिल्में हैं जिन्हें मिश्रित क्षमता मिली, जबकि अन्य बिना किसी निशान के चली गई। अब विशाल लाठी के साथ वापस आ गए हैं, जो एक और पुलिस ड्रामा है जिसका उद्देश्य उसी तरह की फिल्मों से अलग होना है। क्या उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा किया? ये तो दोस्तों हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। एक क्रूर बलात्कार होता है और पुलिस अपराधी की तलाश में है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस कांस्टेबल मुरुगनाथम को सच कबूल कराने के लिए उसे कड़ी फटकार लगाने के लिए कहा गया। बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्होंने एक व्यक्ति पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया है। मानवाधिकार मामले के बाद गुरु गनाथम को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। एक दिन गुरु मथान
का सामना गलती से उस अपराधी से हो जाता है जिसने जघन्य अपराध किया था। इसने उसके जीवन और करियर की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। क्या मुरुगनाथम अपराधी के प्रकोप से बच जाता है? क्या वह उस महिला को न्याय दिलवाएंगे जिसकी दुखद मौत हो गई? लाठी के पास उन सवालों के जवाब हैं। विनोद कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित लाठी एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को काफ़ी हद तक आश्चर्यचकित करती है। ऐसे समय में जब कॉलीवुड में पुलिस व्यवस्था में बेहतर पदनाम वाले पुलिसकर्मियों के बारे में फिल्मों का बोलबाला है, यह फिल्म एक पुलिस कांस्टेबल के बारे में है। एक ऐसा चरित्र जिसे तमिल सिनेमा में बड़े पैमाने पर नहीं देखा गया है। एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में विशाल कायल है। वह नौकरी की भेद्यता को सामने लाता है और दिखाता है कि कैसे सिस्टम निचली श्रेणी के कर्मचारियों का समर्थन नहीं करता है। उन्हें लाठी विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है और यही कारण है कि उन्हें निलंबित कर दिया गया है। फिल्म कुछ हद तक पुलिस की बर्बरता का भी महिमामंडन करती है। 6 महीने बाद जब वह बहाल होता है तो उसे लाठी छूने से डर लगता है। ये कुछ शानदार स्पर्श हैं जो आपको पहले भाग में मंत्रमुग्ध कर देते हैं। जहां विशाल को एक गैर वीर भूमिका वाली एंट्री मिलती है, वहीं खलनायक को पूरी फिल्म में प्रचारित किया जाता है। पहले भाग में खलनायक नकाबपोश होता है, लेकिन जो लोग कॉलीवुड को फॉलो करते हैं वे बड़े खुलासे से पहले ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि खलनायक कौन है। लाठी फिर चूहे बिल्ली का खेल बन जाती है जो दिलचस्प है। विनोद कुमार ने अधिकांश भाग में रहस्य बनाए रखने का असाधारण काम किया है। हालांकि लेथ बिना खामियों वाली फिल्म नहीं है। जब फिल्में बलात्कार के बारे में बात करती हैं तो क्रूरता को स्क्रीन पर दिखाने के बारे में सोच समझकर निर्णय लेने की जिम्मेदारी पूरी तरह से निर्देशक के होती है। लाठी में बलात्कार बहुत अधिक ग्राफिक और अरुचिकर तरीके से किया गया है। हम इस बात से सहमत हैं कि उनके साथ बलात्कार हुआ था, लेकिन उसे दोबारा देखने की कोशिश कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कुछ डायलॉग्स बेहद बचकाने और हास्यास्पर्धा हैं। क्लाइमैक्स भी एक बिंदु से आगे खींचा गया है। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म शानदार स्टंट कोरियोग्राफी पर आधारित है और उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कैसे पीटर हैन को साधुवाद जिन्होंने सावधानी पूर्वक स्टंट दृश्यों को डिज़ाइन किया। लाठी पति पत्नी के बीच संतुलित रिश्ते को दिखाने का भी अच्छा काम करती है। यह आपको पालन पोषण की अच्छी सीख भी देता है। जब मुरुगनाथम और उसकी पत्नी सुनैना के बेटे रासू को घबराहट के दौरे पड़ते हैं तो वह उसे उसके लिए सही मदद लेते हैं। ये एक स्वागत योग्य बदलाव है, खासकर तब जब हम फिल्मों से परेशान करने वाले बच्चों को देखने के आदि हो गए हैं। विशाल के लिए लाठी उन कमज़ोर फिल्मों से अलग हैं जिनका वह पिछले कुछ वर्षों में हिस्सा रहे थे। फिल्म में विशाल ने शादी हुई परफॉर्मेंस देने की पूरी कोशिश की। सुनैना, रमाना, प्रभु, लिरिसा, राघव और कई अन्य लोगों ने प्रदर्शन के मामले में मुख्य कलाकारों की सहायता की। बाला सुब्रमण्यम और बालकृष्ण थोटा की सिनेमाग्राफी और संगीतकार युवान शंकर राजा के संगीत ने फिल्म को बढ़ाने में मदद की। कुल मिलाकर लाठी एक अलग पुलिस वाली फिल्म है और अधिकांश भाग में आकर्षक है। लाठी को 5 में से 2 पॉइंट स्टार दिए गए हैं और IMDB में भी इसको दोस्तों अच्छे स्टार मिले हैं। 10 में से 6 के करीब इसको स्टार IMDB पे भी मिले हैं।
मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको एक बार देखनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो मूवी को जा करके जल्दी से जल्दी देखिए। आप इस मूवी को ऑनलाइन कहाँ देख सकते हैं मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ इसी वीडियो में कि आप इस मूवी को ऑनलाइन कैसे और कहाँ देख सकते हैं। ये जो मूवी है दोस्तों हिंदी में भी आ गई है। आप इस मूवी को Amazon प्राइम पे जा कर के ईज़िली देख सकते हैं। Amazon प्राइम पे ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है। इसको 6.5 की रेटिंग मिली है IMDb पे। बहुत ज़बरदस्त मूवी होने वाली है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं लाठी मूवी की। जी हाँ दोस्तों, विशाल का एक्शन ड्रामा छोटी मोटी खामियों से भरपूर है ये मूवी। निर्देशक विनोद कुमार की लाठी, जिसमें विशाल, सुनैना और रमाना ने अभिनय किया है। उत्कृष्ट स्टंट कोरियोग्राफी के साथ एक सम्मोहक एक्शन ड्रामा है। हमारी परीक्षा कहती है कि फिल्म अधिकांश भाग में आपका ध्यान खींचने में सफल रहती है। विशाल को सुपरहिट फिल्म दिए हुए काफ़ी समय भी हो चुका है। इवरुम्बु थिराई के बाद विशाल की कुछ फिल्में हैं जिन्हें मिश्रित क्षमता मिली, जबकि अन्य बिना किसी निशान के चली गई। अब विशाल लाठी के साथ वापस आ गए हैं, जो एक और पुलिस ड्रामा है जिसका उद्देश्य उसी तरह की फिल्मों से अलग होना है। क्या उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा किया? ये तो दोस्तों हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। एक क्रूर बलात्कार होता है और पुलिस अपराधी की तलाश में है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस कांस्टेबल मुरुगनाथम को सच कबूल कराने के लिए उसे कड़ी फटकार लगाने के लिए कहा गया। बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्होंने एक व्यक्ति पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया है। मानवाधिकार मामले के बाद गुरु गनाथम को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। एक दिन गुरु मथान का सामना गलती से उस अपराधी से हो जाता है जिसने जघन्य अपराध किया था। इसने उसके जीवन और करियर की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। क्या मुरुगनाथम अपराधी के प्रकोप से बच जाता है? क्या वह उस महिला को न्याय दिलवाएंगे जिसकी दुखद मौत हो गई? लाठी के पास उन सवालों के जवाब हैं। विनोद कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित लाठी एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को काफ़ी हद तक आश्चर्यचकित करती है। ऐसे समय में जब कॉलीवुड में पुलिस व्यवस्था में बेहतर पदनाम वाले पुलिसकर्मियों के बारे में फिल्मों का बोलबाला है, यह फिल्म एक पुलिस कांस्टेबल के बारे में है। एक ऐसा चरित्र जिसे तमिल सिनेमा में बड़े पैमाने पर नहीं देखा गया है। एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में विशाल कायल है। वह नौकरी की भेद्यता को सामने लाता है और दिखाता है कि कैसे सिस्टम निचली श्रेणी के कर्मचारियों का समर्थन नहीं करता है। उन्हें लाठी विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है और यही कारण है कि उन्हें निलंबित कर दिया गया है। फिल्म कुछ हद तक पुलिस की बर्बरता का भी महिमामंडन करती है। 6 महीने बाद जब वह बहाल होता है तो उसे लाठी छूने से डर लगता है। ये कुछ शानदार स्पर्श हैं जो आपको पहले भाग में मंत्रमुग्ध कर देते हैं। जहां विशाल को एक गैर वीर भूमिका वाली एंट्री मिलती है, वहीं खलनायक को पूरी फिल्म में प्रचारित किया जाता है। पहले भाग में खलनायक नकाबपोश होता है, लेकिन जो लोग कॉलीवुड को फॉलो करते हैं वे बड़े खुलासे से पहले ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि खलनायक कौन है। लाठी फिर चूहे बिल्ली का खेल बन जाती है जो दिलचस्प है। विनोद कुमार ने अधिकांश भाग में रहस्य बनाए रखने का असाधारण काम किया है। हालांकि लेथ बिना खामियों वाली फिल्म नहीं है,
जब फिल्में बलात्कार के बारे में बात करती हैं तो क्रूरता को स्क्रीन पर दिखाने के बारे में सोच समझकर निर्णय लेने की जिम्मेदारी पूरी तरह से निर्देशक के होती है। लाठी में बलात्कार बहुत अधिक ग्राफिक और अरुचिकर तरीके से किया गया है। हम इस बात से सहमत हैं कि उनके साथ बलात्कार हुआ था, लेकिन उसे दोबारा देखने की कोशिश कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कुछ डायलॉग्स बेहद बचकाने और हास्यास्पद हैं। क्लाइमैक्स भी एक बिंदु से आगे खींचा गया है। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म शानदार स्टंट कोरियोग्राफी पर आधारित है और उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कैसे पीटर हैन को साधुवाद जिन्होंने सावधानी पूर्वक स्टंट दृश्यों को डिजाइन किया। लाठी पति पत्नी के बीच संतुलित रिश्ते को दिखाने का भी अच्छा काम करती है। यह आपको पालन पोषण की अच्छी सीख भी देता है। जब मुरुगनाथम और उसकी पत्नी सुनैना के बेटे रासू को घबराहट के दौरे पड़ते हैं तो वह उसे उसके लिए सही मदद लेते हैं। ये एक स्वागत योग्य बदलाव है, खासकर तब जब हम फिल्मों से परेशान करने वाले बच्चों को देखने के आदी हो गए हैं। विशाल के लिए लाठी उन कमज़ोर फिल्मों से अलग हैं जिनका वह पिछले कुछ वर्षों में हिस्सा रहे थे। फिल्म में विशाल ने शादी हुई परफॉर्मेंस देने की पूरी कोशिश की। सुनैना, रमाना, प्रभु, लिरिसा राघव और कई अन्य लोगों ने प्रदर्शन के मामले में मुख्य कलाकारों की सहायता की। बाला सुब्रमण्यम और बालकृष्ण थोटा की सिनेमाग्राफी और संगीतकार युवान शंकर राजा के संगीत ने फिल्म को बढ़ाने में मदद की। कुल मिलाकर लाठी एक अलग पुलिस वाली फिल्म है और अधिकांश भाग में आकर्षक है। लाठी को 5 में से 2 पॉइंट स्टार दिए गए हैं और IMDb में भी इसको दोस्तों अच्छे स्टार मिले हैं। 10 में से 6 के करीब इसको स्टार IMDb पे भी मिले हैं। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको एक बार देखनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो मूवी को जा करके जल्दी से जल्दी देखिए। आप इस मूवी को ऑनलाइन कहाँ देख सकते हैं, मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ इसी वीडियो में कि आप इस मूवी को ऑनलाइन कैसे और कहाँ देख सकते हैं। ये जो मूवी है दोस्तों हिंदी में भी आ गई है। आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम पे जा कर के इजीली देख सकते हैं। अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है। इसको 6.5 की रेटिंग मिली है IMDb पे। बहुत ज़बरदस्त मूवी होने वाली है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं लाठी मूवी की। जी हाँ दोस्तों, विशाल का एक्शन ड्रामा छोटी मोटी खामियों से भरपूर है ये मूवी। निर्देशक विनोद कुमार की लाठी, जिसमें विशाल, सुनैना और रमाना ने अभिनय किया है। उत्कृष्ट स्टंट कोरियोग्राफी के साथ एक सम्मोहक एक्शन ड्रामा है। हमारी परीक्षा कहती है कि फिल्म अधिकांश भाग में आपका ध्यान खींचने में सफल रहती है। विशाल को सुपरहिट फिल्म दिए हुए काफ़ी समय भी हो चुका है। इवरुम्बु थिराई के बाद विशाल की कुछ फिल्में हैं जिन्हें मिश्रित क्षमता मिली, जबकि अन्य बिना किसी निशान के चली गई। अब विशाल लाठी के साथ वापस आ गए हैं, जो एक और पुलिस ड्रामा है जिसका उद्देश्य उसी तरह की फिल्मों से अलग होना है। क्या उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा किया? ये तो दोस्तों हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। एक क्रूर बलात्कार होता है और पुलिस अपराधी की तलाश में है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस कांस्टेबल मुरुगनाथम को सच कबूल कराने के लिए उसे कड़ी फटकार लगाने के लिए कहा गया। बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्होंने एक व्यक्ति पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया है। मानवाधिकार मामले के बाद गुरु
गनाथम को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। एक दिन गुरु मथान का सामना गलती से उस अपराधी से हो जाता है जिसने जघन्य अपराध किया था। इसने उसके जीवन और करियर की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। क्या मुरुगनाथम अपराधी के प्रकोप से बच जाता है? क्या वह उस महिला को न्याय दिलवाएंगे जिसकी दुखद मौत हो गई? लाठी के पास उन सवालों के जवाब हैं। विनोद कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित लाठी एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को काफ़ी हद तक आश्चर्यचकित करती है। ऐसे समय में जब कॉलीवुड में पुलिस व्यवस्था में बेहतर पदनाम वाले पुलिसकर्मियों के बारे में फिल्मों का बोलबाला है, यह फिल्म एक पुलिस कांस्टेबल के बारे में है। एक ऐसा चरित्र जिसे तमिल सिनेमा में बड़े पैमाने पर नहीं देखा गया है। एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में विशाल कायल है। वह नौकरी की भेद्यता को सामने लाता है और दिखाता है कि कैसे सिस्टम निचली श्रेणी के कर्मचारियों का समर्थन नहीं करता है। उन्हें लाठी विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है और यही कारण है कि उन्हें निलंबित कर दिया गया है। फिल्म कुछ हद तक पुलिस की बर्बरता का भी महिमामंडन करती है। 6 महीने बाद जब वह बहाल होता है तो उसे लाठी छूने से डर लगता है। ये कुछ शानदार स्पर्श हैं जो आपको पहले भाग में मंत्रमुग्ध कर देते हैं। जहां विशाल को एक गैर वीर भूमिका वाली एंट्री मिलती है, वहीं खलनायक को पूरी फिल्म में प्रचारित किया जाता है। पहले भाग में खलनायक नकाबपोश होता है, लेकिन जो लोग कॉलीवुड को फॉलो करते हैं वे बड़े खुलासे से पहले ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि खलनायक कौन है। लाठी फिर चूहे बिल्ली का खेल बन जाती है जो दिलचस्प है। विनोद कुमार ने अधिकांश भाग में रहस्य बनाए रखने का असाधारण काम किया है। हालांकि लेथ बिना खामियों वाली फिल्म नहीं है। जब फिल्में बलात्कार के बारे में बात करती हैं तो क्रूरता को स्क्रीन पर दिखाने के बारे में सोच समझकर निर्णय लेने की जिम्मेदारी पूरी तरह से निर्देशक के होती है। लाठी में बलात्कार बहुत अधिक ग्राफिक और अरुचिकर तरीके से किया गया है। हम इस बात से सहमत हैं कि उनके साथ बलात्कार हुआ था, लेकिन उसे दोबारा देखने की कोशिश कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कुछ डायलॉग्स बेहद बचकाने और हास्यास्पदा हैं। क्लाइमैक्स भी एक बिंदु से आगे खींचा गया है। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म शानदार स्टंट कोरियोग्राफी पर आधारित है और उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कैसे पीटर हैन को साधुवाद जिन्होंने सावधानीपूर्वक स्टंट दृश्यों को डिज़ाइन किया। लाठी पति पत्नी के बीच संतुलित रिश्ते को दिखाने का भी अच्छा काम करती है। यह आपको पालन पोषण की अच्छी सीख भी देता है। जब मुरुगनाथम और उसकी पत्नी सुनैना के बेटे रासू को घबराहट के दौरे पड़ते हैं तो वह उसके लिए सही मदद लेते हैं। ये एक स्वागत योग्य बदलाव है, खासकर तब जब हम फिल्मों से परेशान करने वाले बच्चों को देखने के आदि हो गए हैं। विशाल के लिए लाठी उन कमज़ोर फिल्मों से अलग हैं जिनका वह पिछले कुछ वर्षों में हिस्सा रहे थे। फिल्म में विशाल ने शादी हुई परफॉर्मेंस देने की पूरी कोशिश की। सुनैना, रमाना, प्रभु, लिरिसा, राघव और कई अन्य लोगों ने प्रदर्शन के मामले में मुख्य कलाकारों की सहायता की। बाला सुब्रमण्यम और बालकृष्ण थोटा की सिनेमाग्राफी और संगीतकार युवान शंकर राजा के संगीत ने फिल्म को बढ़ाने में मदद की। कुल मिलाकर लाठी एक अलग पुलिस वाली फिल्म है और अधिकांश भाग में आकर्षक है। लाठी को 5 में से 2 पॉइंट स्टार दिए गए हैं और IMDB में भी इसको दोस्तों
अच्छे स्टार मिले हैं, 10 में से 6 के करीब इसको स्टार IMDb पे भी मिले हैं। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको एक बार देखनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो मूवी को जा करके जल्दी से जल्दी देखिए। आप इस मूवी को ऑनलाइन कहाँ देख सकते हैं मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ इसी वीडियो में कि आप इस मूवी को ऑनलाइन कैसे और कहाँ देख सकते हैं। ये जो मूवी है दोस्तों हिंदी में भी आ गई है। आप इस मूवी को Amazon Prime पे जा कर के ईज़िली देख सकते हैं। Amazon Prime पे ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है। इसको 6.5 की रेटिंग मिली है IMDb पे। बहुत ज़बरदस्त मूवी होने वाली है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं लाठी मूवी की। जी हाँ दोस्तों, विशाल का एक्शन ड्रामा छोटी मोटी खामियों से भरपूर है ये मूवी। निर्देशक विनोद कुमार की लाठी, जिसमें विशाल, सुनैना और रमाना ने अभिनय किया है। उत्कृष्ट स्टंट कोरियोग्राफी के साथ एक सम्मोहक एक्शन ड्रामा है। हमारी परीक्षा कहती है कि फिल्म अधिकांश भाग में आपका ध्यान खींचने में सफल रहती है। विशाल को सुपरहिट फिल्म दिए हुए काफ़ी समय भी हो चुका है। इवरुम्बू थिराई के बाद विशाल की कुछ फिल्में हैं जिन्हें मिश्रित क्षमता मिली, जबकि अन्य बिना किसी निशान के चली गई। अब विशाल लाठी के साथ वापस आ गए हैं, जो एक और पुलिस ड्रामा है जिसका उद्देश्य उसी तरह की फिल्मों से अलग होना है। क्या उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा किया? ये तो दोस्तों हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। एक क्रूर बलात्कार होता है और पुलिस अपराधी की तलाश में है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस कांस्टेबल मुरुगनाथम को सच कबूल कराने के लिए उसे कड़ी फटकार लगाने के लिए कहा गया। बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्होंने एक व्यक्ति पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया है। मानवाधिकार मामले के बाद गुरु गनाथम को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। एक दिन गुरु मथान का सामना गलती से उस अपराधी से हो जाता है जिसने जघन्य अपराध किया था। इसने उसके जीवन और करियर की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। क्या मुरुगनाथम अपराधी के प्रकोप से बच जाता है? क्या वह उस महिला को न्याय दिलवाएंगे जिसकी दुखद मौत हो गई? लाठी के पास उन सवालों के जवाब हैं। विनोद कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित लाठी एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को काफ़ी हद तक आश्चर्यचकित करती है। ऐसे समय में जब कॉलीवुड में पुलिस व्यवस्था में बेहतर पदनाम वाले पुलिसकर्मियों के बारे में फिल्मों का बोलबाला है, यह फिल्म एक पुलिस कांस्टेबल के बारे में है। एक ऐसा चरित्र जिसे तमिल सिनेमा में बड़े पैमाने पर नहीं देखा गया है। एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में विशाल कायल है। वह नौकरी की भेद्यता को सामने लाता है और दिखाता है कि कैसे सिस्टम निचली श्रेणी के कर्मचारियों का समर्थन नहीं करता है। उन्हें लाठी विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है और यही कारण है कि उन्हें निलंबित कर दिया गया है। फिल्म कुछ हद तक पुलिस की बर्बरता का भी महिमामंडन करती है। 6 महीने बाद जब वह बहाल होता है तो उसे लाठी छूने से डर लगता है। ये कुछ शानदार स्पर्श हैं जो आपको पहले भाग में मंत्रमुग्ध कर देते हैं। जहां विशाल को एक गैर वीर भूमिका वाली एंट्री मिलती है, वहीं खलनायक को पूरी फिल्म में प्रचारित किया जाता है। पहले भाग में खलनायक नकाबपोश होता है, लेकिन जो लोग कॉलीवुड को फॉलो करते हैं वे बड़े खुलासे से पहले ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि खलनायक कौन है। लाठी फिर चूहे बिल्ली का खेल बन जाती है, जो दिलचस्प है। विनोद कुमार ने अधिकांश भाग में रहस्य बनाए रखने का असाधारण
काम किया है। हालांकि लेथ बिना खामियों वाली फिल्म नहीं है। जब फिल्में बलात्कार के बारे में बात करती हैं तो क्रूरता को स्क्रीन पर दिखाने के बारे में सोच समझकर निर्णय लेने की जिम्मेदारी पूरी तरह से निर्देशक के होती है। लाठी में बलात्कार बहुत अधिक ग्राफिक और अरुचिकर तरीके से किया गया है। हम इस बात से सहमत हैं कि उनके साथ बलात्कार हुआ था, लेकिन उसे दोबारा देखने की कोशिश कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कुछ डायलॉग्स बेहद बचकाने और हास्यास्पदा हैं। क्लाइमैक्स भी एक बिंदु से आगे खींचा गया है। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म शानदार स्टंट कोरियोग्राफी पर आधारित है और उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कैसे पीटर हैन को साधुवाद जिन्होंने सावधानी पूर्वक स्टंट दृश्यों को डिज़ाइन किया। लाठी पति पत्नी के बीच संतुलित रिश्ते को दिखाने का भी अच्छा काम करती है। यह आपको पालन पोषण की अच्छी सीख भी देता है। जब मुरुगनाथम और उसकी पत्नी सुनैना के बेटे रासू को घबराहट के दौरे पड़ते हैं तो वह उसे उसके लिए सही मदद लेते हैं। ये एक स्वागत योग्य बदलाव है, खासकर तब जब हम फिल्मों से परेशान करने वाले बच्चों को देखने के आदि हो गए हैं। विशाल के लिए लाठी उन कमज़ोर फिल्मों से अलग हैं जिनका वह पिछले कुछ वर्षों में हिस्सा रहे थे। फिल्म में विशाल ने शादी हुई परफॉर्मेंस देने की पूरी कोशिश की। सुनैना, रमाना, प्रभु, लिरिसा, राघव और कई अन्य लोगों ने प्रदर्शन के मामले में मुख्य कलाकारों की सहायता की। बाला सुब्रमण्यम और बालकृष्ण थोटा की सिनेमाग्राफी और संगीतकार युवान शंकर राजा के संगीत ने फिल्म को बढ़ाने में मदद की। कुल मिलाकर लाठी एक अलग पुलिस वाली फिल्म है और अधिकांश भाग में आकर्षक है। लाठी को 5 में से 2 पॉइंट स्टार दिए गए हैं और IMDB में भी इसको दोस्तों अच्छे स्टार मिले हैं। 10 में से 6 के करीब इसको स्टार IMDB पे भी मिले हैं। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको एक बार देखनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो मूवी को जा कर के जल्दी से जल्दी देखिए। आप इस मूवी को ऑनलाइन कहाँ देख सकते हैं, मैं आपको कन्फर्म कर देता हूँ इसी वीडियो में कि आप इस मूवी को ऑनलाइन कैसे और कहाँ देख सकते हैं। ये जो मूवी है दोस्तों हिंदी में भी आ गई है। आप इस मूवी को Amazon Prime पे जाकर के ईजिली देख सकते हैं। Amazon Prime पे ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है। इसको 6.5 की रेटिंग मिली है IMDB पे। बहुत ज़बरदस्त मूवी होने वाली है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं लाठी मूवी की। जी हाँ दोस्तों, विशाल का एक्शन ड्रामा छोटी मोटी खामियों से भरपूर है ये मूवी। निर्देशक विनोद कुमार की लाठी, जिसमें विशाल, सुनैना और रमाना ने अभिनय किया है। उत्कृष्ट स्टंट कोरियोग्राफी के साथ एक सम्मोहक एक्शन ड्रामा है। हमारी परीक्षा कहती है कि फिल्म अधिकांश भाग में आपका ध्यान खींचने में सफल रहती है। विशाल को सुपरहिट फिल्म दिए हुए काफ़ी समय भी हो चुका है। इवरुम्बू थिराई के बाद विशाल की कुछ फिल्में हैं जिन्हें मिश्रित क्षमता मिली, जबकि अन्य बिना किसी निशान के चली गई। अब विशाल लाठी के साथ वापस आ गए हैं, जो एक और पुलिस ड्रामा है जिसका उद्देश्य उसी तरह की फिल्मों से अलग होना है। क्या उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा किया? ये तो दोस्तों हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। एक क्रूर बलात्कार होता है और पुलिस अपराधी की तलाश में है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस कांस्टेबल मुरुगनाथम को सच कबूल कराने के लिए उसे कड़ी फटकार लगाने के लिए कहा गया। बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्होंने एक व्यक्ति पर बलात्कार का
झूठा आरोप लगाया है। मानवाधिकार मामले के बाद गुरु गनाथम को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया। एक दिन गुरु मथान का सामना गलती से उस अपराधी से हो जाता है जिसने जघन्य अपराध किया था। इसने उसके जीवन और करियर की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। क्या मुरुगनाथम अपराधी के प्रकोप से बच जाता है? क्या वह उस महिला को न्याय दिलवाएंगे जिसकी दुखद मौत हो गई? लाठी के पास उन सवालों के जवाब हैं। विनोद कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित लाठी एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को काफ़ी हद तक आश्चर्यचकित करती है। ऐसे समय में जब कॉलीवुड में पुलिस व्यवस्था में बेहतर पदनाम वाले पुलिसकर्मियों के बारे में फिल्मों का बोलबाला है, यह फिल्म एक पुलिस कांस्टेबल के बारे में है। एक ऐसा चरित्र जिसे तमिल सिनेमा में बड़े पैमाने पर नहीं देखा गया है। एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में विशाल कायल है। वह नौकरी की भेद्यता को सामने लाता है और दिखाता है कि कैसे सिस्टम निचली श्रेणी के कर्मचारियों का समर्थन नहीं करता है। उन्हें लाठी विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है और यही कारण है कि उन्हें निलंबित कर दिया गया है। फिल्म कुछ हद तक पुलिस की बर्बरता का भी महिमामंडन करती है। 6 महीने बाद जब वह बहाल होता है तो उसे लाठी छूने से डर लगता है। ये कुछ शानदार स्पर्श हैं जो आपको पहले भाग में मंत्रमुग्ध कर देते हैं। जहां विशाल को एक गैर वीर भूमिका वाली एंट्री मिलती है, वहीं खलनायक को पूरी फिल्म में प्रचारित किया जाता है। पहले भाग में खलनायक नकाबपोश होता है, लेकिन जो लोग कॉलीवुड को फॉलो करते हैं वे बड़े खुलासे से पहले ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि खलनायक कौन है। लाठी फिर चूहे बिल्ली का खेल बन जाती है जो दिलचस्प है। विनोद कुमार ने अधिकांश भाग में रहस्य बनाए रखने का असाधारण काम किया है। हालांकि लेथ बिना खामियों वाली फिल्म नहीं है। जब फिल्में बलात्कार के बारे में बात करती हैं तो क्रूरता को स्क्रीन पर दिखाने के बारे में सोच समझकर निर्णय लेने की जिम्मेदारी पूरी तरह से निर्देशक के होती है। लाठी में बलात्कार बहुत अधिक ग्राफिक और अरुचिकर तरीके से किया गया है। हम इस बात से सहमत हैं कि उनके साथ बलात्कार हुआ था, लेकिन उसे दोबारा देखने की कोशिश कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कुछ डायलॉग्स बेहद बचकाने और हास्यास्पदा हैं। क्लाइमैक्स भी एक बिंदु से आगे खींचा गया है। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म शानदार स्टंट कोरियोग्राफी पर आधारित है और उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कैसे पीटर हैन को साधुवाद जिन्होंने सावधानीपूर्वक स्टंट दृश्यों को डिज़ाइन किया। लाठी पति पत्नी के बीच संतुलित रिश्ते को दिखाने का भी अच्छा काम करती है। यह आपको पालन पोषण की अच्छी सीख भी देता है। जब मुरुगनाथम और उसकी पत्नी सुनैना के बेटे रासू को घबराहट के दौरे पड़ते हैं तो वह उसके लिए सही मदद लेते हैं। ये एक स्वागत योग्य बदलाव है, खासकर तब जब हम फिल्मों से परेशान करने वाले बच्चों को देखने के आदि हो गए हैं। विशाल के लिए लाठी उन कमज़ोर फिल्मों से अलग हैं जिनका वह पिछले कुछ वर्षों में हिस्सा रहे थे। फिल्म में विशाल ने शादी हुई परफॉर्मेंस देने की पूरी कोशिश की। सुनैना, रमाना, प्रभु, लिरिसा, राघव और कई अन्य लोगों ने प्रदर्शन के मामले में मुख्य कलाकारों की सहायता की। बाला सुब्रमण्यम और बालकृष्ण थोटा की सिनेमाग्राफी और संगीतकार युवान शंकर राजा के संगीत ने फिल्म को बढ़ाने में मदद की। कुल मिलाकर लाठी एक अलग पुलिस वाली फिल्म है और अधिकांश भाग में आकर्षक है।
लाठी को 5 में से 2 पॉइंट स्टार दिए गए हैं और IMDb में भी इसको दोस्तों अच्छे स्टार मिले हैं, 10 में से 6 के करीब इसको स्टार IMDb पे भी मिले हैं। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको एक बार देखनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो मूवी को जा कर के जल्दी से जल्दी देखिए। आप इस मूवी को ऑनलाइन कहाँ देख सकते हैं मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ इसी वीडियो में कि आप इस मूवी को ऑनलाइन कैसे और कहाँ देख सकते हैं। ये जो मूवी है दोस्तों हिंदी में भी आ गई है, आप इस मूवी को Amazon Prime पे जा कर के ईज़िली देख सकते हैं। Amazon Prime पे ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है, इसको 6.5 की रेटिंग मिली है IMDb पे। बहुत ज़बरदस्त मूवी होने वाली है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल, और आज हम बात करने वाले हैं लाठी मूवी की। जी हाँ दोस्तों, विशाल का एक्शन ड्रामा छोटी मोटी खामियों से भरपूर है ये मूवी। निर्देशक विनोद कुमार की लाठी, जिसमें विशाल, सुनैना और रमाना ने अभिनय किया है। उत्कृष्ट स्टंट कोरियोग्राफी के साथ एक सम्मोहक एक्शन ड्रामा है। हमारी परीक्षा कहती है कि फिल्म अधिकांश भाग में आपका ध्यान खींचने में सफल रहती है। विशाल को सुपरहिट फिल्म दिए हुए काफ़ी समय भी हो चुका है। इब्रुम्बू थिराई के बाद विशाल की कुछ फिल्में हैं जिन्हें मिश्रित क्षमता मिली, जबकि अन्य बिना किसी निशान के चली गई। अब विशाल लाठी के साथ वापस आ गए हैं, जो एक और पुलिस ड्रामा है जिसका उद्देश्य उसी तरह की फिल्मों से अलग होना है। क्या उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा किया? ये तो दोस्तों हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। एक क्रूर बलात्कार होता है और पुलिस अपराधी की तलाश में है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस कांस्टेबल मुरुगनाथम को सच कबूल कराने के लिए उसे कड़ी फटकार लगाने के लिए कहा गया। बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्होंने एक व्यक्ति पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया है। मानवाधिकार मामले के बाद गुरु गनाथम को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। एक दिन गुरु मथान का सामना गलती से उस अपराधी से हो जाता है जिसने जघन्य अपराध किया था। इसने उसके जीवन और करियर की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। क्या मुरुगनाथम अपराधी के प्रकोप से बच जाता है? क्या वह उस महिला को न्याय दिलवाएंगे जिसकी दुखद मौत हो गई? लाठी के पास उन सवालों के जवाब हैं। विनोद कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित लाठी एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को काफ़ी हद तक आश्चर्यचकित करती है। ऐसे समय में जब कॉलीवुड में पुलिस व्यवस्था में बेहतर पदनाम वाले पुलिसकर्मियों के बारे में फिल्मों का बोलबाला है, यह फिल्म एक पुलिस कांस्टेबल के बारे में है। एक ऐसा चरित्र जिसे तमिल सिनेमा में बड़े पैमाने पर नहीं देखा गया है। एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में विशाल कायल है। वह नौकरी की वैधता को सामने लाता है और दिखाता है कि कैसे सिस्टम निचली श्रेणी के कर्मचारियों का समर्थन नहीं करता है। उन्हें लाठी विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है और यही कारण है कि उन्हें निलंबित कर दिया गया है। फिल्म कुछ हद तक पुलिस की बर्बरता का भी महिमामंडन करती है। 6 महीने बाद जब वह बहाल होता है तो उसे लाठी छूने से डर लगता है। ये कुछ शानदार स्पर्श हैं जो आपको पहले भाग में मंत्रमुग्ध कर देते हैं। जहां विशाल को एक गैर वीर भूमिका वाली एंट्री मिलती है, वहीं खलनायक को पूरी फिल्म में प्रचारित किया जाता है। पहले भाग में खलनायक नकाबपोश होता है, लेकिन जो लोग कॉलीवुड को फॉलो करते हैं वे बड़े खुलासे से पहले ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि खलनायक कौन है। लाठी फिर चूहे बिल्ली का खेल बन जाती है, दो जो दिलचस्प है।
विनोद कुमार ने अधिकांश भाग में रहस्य बनाए रखने का असाधारण काम किया है। हालांकि लेथ बिना खामियों वाली फिल्म नहीं है। जब फिल्में बलात्कार के बारे में बात करती हैं तो क्रूरता को स्क्रीन पर दिखाने के बारे में सोच समझकर निर्णय लेने की जिम्मेदारी पूरी तरह से निर्देशक के होती है। लाठी में बलात्कार बहुत अधिक ग्राफिक और अरुचिकर तरीके से किया गया है। हम इस बात से सहमत हैं कि उनके साथ बलात्कार हुआ था, लेकिन उसे दोबारा देखने की कोशिश कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कुछ डायलॉग्स बेहद बचकाने और हास्यास्पदा हैं। क्लाइमैक्स भी एक बिंदु से आगे खींचा गया है। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म शानदार स्टंट कोरियोग्राफी पर आधारित है और उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कैसे पीटर हैन को साधुवाद जिन्होंने सावधानी पूर्वक स्टंट दृश्यों को डिजाइन किया। लाठी पति पत्नी के बीच संतुलित रिश्ते को दिखाने का भी अच्छा काम करती है। यह आपको पालन पोषण की अच्छी सीख भी देता है। जब मुरुगनाथम और उसकी पत्नी सुनैना के बेटे रासू को घबराहट के दौरे पड़ते हैं तो वह उसे उसके लिए सही मदद लेते हैं। ये एक स्वागत योग्य बदलाव है, खासकर तब जब हम फिल्मों से परेशान करने वाले बच्चों को देखने के आदि हो गए हैं। विशाल के लिए लाठी उन कमज़ोर फिल्मों से अलग हैं जिनका वह पिछले कुछ वर्षों में हिस्सा रहे थे। फिल्म में विशाल ने शादी हुई परफॉर्मेंस देने की पूरी कोशिश की। सुनैना, रमाना, प्रभु, लिरिसा, राघव और कई अन्य लोगों ने प्रदर्शन के मामले में मुख्य कलाकारों की सहायता की। बाला सुब्रमण्यम और बालकृष्ण थोटा की सिनेमाग्राफी और संगीतकार युवान शंकर राजा के संगीत ने फिल्म को बढ़ाने में मदद की। कुल मिलाकर लाठी एक अलग पुलिस वाली फिल्म है और अधिकांश भाग में आकर्षक है। लाठी को 5 में से 2 पॉइंट स्टार दिए गए हैं और IMDB में भी इसको दोस्तों अच्छे स्टार मिले हैं। 10 में से 6 के करीब इसको स्टार IMDB पे भी मिले हैं। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको एक बार देखनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो मूवी को जा करके जल्दी से जल्दी देखिए। आप इस मूवी को ऑनलाइन कहाँ देख सकते हैं मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ इसी वीडियो में कि आप इस मूवी को ऑनलाइन कैसे और कहाँ देख सकते हैं। ये जो मूवी है दोस्तों हिंदी में भी आ गई है। आप इस मूवी को Amazon Prime पे जा कर के ईज़िली देख सकते हैं। Amazon Prime पे ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है। इसको 6.5 की रेटिंग मिली है IMDB पे। बहुत ज़बरदस्त मूवी होने वाली है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं लाठी मूवी की। जी हाँ दोस्तों, विशाल का एक्शन ड्रामा छोटी मोटी खामियों से भरपूर है ये मूवी। निर्देशक विनोद कुमार की लाठी, जिसमें विशाल, सुनैना और रमाना ने अभिनय किया है। उत्कृष्ट स्टंट कोरियोग्राफी के साथ एक सम्मोहक एक्शन ड्रामा है। हमारी परीक्षा कहती है कि फिल्म अधिकांश भाग में आपका ध्यान खींचने में सफल रहती है। विशाल को सुपरहिट फिल्म दिए हुए काफ़ी समय भी हो चुका है। इवरुम्बू थिराई के बाद विशाल की कुछ फिल्में हैं जिन्हें मिश्रित क्षमता मिली, जबकि अन्य बिना किसी निशान के चली गई। अब विशाल लाठी के साथ वापस आ गए हैं, जो एक और पुलिस ड्रामा है जिसका उद्देश्य उसी तरह की फिल्मों से अलग होना है। क्या उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा किया? ये तो दोस्तों हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। एक क्रूर बलात्कार होता है और पुलिस अपराधी की तलाश में है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस कांस्टेबल मुरुगनाथम को सच कबूल कराने के लिए उसे
कड़ी फटकार लगाने के लिए कहा गया। बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्होंने एक व्यक्ति पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया है। मानवाधिकार मामले के बाद गुरु गन्नाथम को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। एक दिन गुरु मथान का सामना गलती से उस अपराधी से हो जाता है जिसने जघन्य अपराध किया था। इसने उसके जीवन और करियर की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। क्या मुरुगनाथम अपराधी के प्रकोप से बच जाता है? क्या वह उस महिला को न्याय दिलवाएंगे जिसकी दुखद मौत हो गई? लाठी के पास उन सवालों के जवाब हैं। विनोद कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित लाठी एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को काफ़ी हद तक आश्चर्यचकित करती है। ऐसे समय में जब कॉलीवुड में पुलिस व्यवस्था में बेहतर पदनाम वाले पुलिसकर्मियों के बारे में फिल्मों का बोलबाला है, यह फिल्म एक पुलिस कांस्टेबल के बारे में है। एक ऐसा चरित्र जिसे तमिल सिनेमा में बड़े पैमाने पर नहीं देखा गया है। एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में विशाल कायल है। वह नौकरी की भेद्यता को सामने लाता है और दिखाता है कि कैसे सिस्टम निचली श्रेणी के कर्मचारियों का समर्थन नहीं करता है। उन्हें लाठी विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है और यही कारण है कि उन्हें निलंबित कर दिया गया है। फिल्म कुछ हद तक पुलिस की बर्बरता का भी महिमामंडन करती है। 6 महीने बाद जब वह बहाल होता है तो उसे लाठी छूने से डर लगता है। ये कुछ शानदार स्पर्श हैं जो आपको पहले भाग में मंत्रमुग्ध कर देते हैं। जहां विशाल को एक गैर वीर भूमिका वाली एंट्री मिलती है, वहीं खलनायक को पूरी फिल्म में प्रचारित किया जाता है। पहले भाग में खलनायक नकाबपोश होता है, लेकिन जो लोग कॉलीवुड को फॉलो करते हैं वे बड़े खुलासे से पहले ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि खलनायक कौन है। लाठी फिर चूहे बिल्ली का खेल बन जाती है जो दिलचस्प है। विनोद कुमार ने अधिकांश भाग में रहस्य बनाए रखने का असाधारण काम किया है। हालांकि लेथ बिना खामियों वाली फिल्म नहीं है। जब फिल्में बलात्कार के बारे में बात करती हैं तो क्रूरता को स्क्रीन पर दिखाने के बारे में सोच समझकर निर्णय लेने की जिम्मेदारी पूरी तरह से निर्देशक के होती है। लाठी में बलात्कार बहुत अधिक ग्राफिक और अरुचिकर तरीके से किया गया है। हम इस बात से सहमत हैं कि उनके साथ बलात्कार हुआ था, लेकिन उसे दोबारा देखने की कोशिश कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कुछ डायलॉग्स बेहद बचकाने और हास्यास्पदा हैं। क्लाइमैक्स भी एक बिंदु से आगे खींचा गया है। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म शानदार स्टंट कोरियोग्राफी पर आधारित है और उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कैसे पीटर हैन को साधुवाद जिन्होंने सावधानी पूर्वक स्टंट दृश्यों को डिजाइन किया। लाठी पति पत्नी के बीच संतुलित रिश्ते को दिखाने का भी अच्छा काम करती है। यह आपको पालन पोषण की अच्छी सीख भी देता है। जब मुरुगनाथम और उसकी पत्नी सुनैना के बेटे रासू को घबराहट के दौरे पड़ते हैं तो वह उसे उसके लिए सही मदद लेते हैं। ये एक स्वागत योग्य बदलाव है, खासकर तब जब हम फिल्मों से परेशान करने वाले बच्चों को देखने के आदि हो गए हैं। विशाल के लिए लाठी उन कमज़ोर फिल्मों से अलग हैं जिनका वह पिछले कुछ वर्षों में हिस्सा रहे थे। फिल्म में विशाल ने शादी हुई परफॉर्मेंस देने की पूरी कोशिश की। सुनैना, रमाना, प्रभु, लिरिसा, राघव और कई अन्य लोगों ने प्रदर्शन के मामले में मुख्य कलाकारों की सहायता की। बाला सुब्रमण्यम और बालकृष्ण थोटा की सिनेमाग्राफी और संगीतकार युवान शंकर राजा के संगीत ने फिल्म को बढ़ाने में मदद की।
कुल मिलाकर लाठी एक अलग पुलिस वाली फिल्म है और अधिकांश भाग में आकर्षक है। लाठी को 5 में से 2 पॉइंट स्टार दिए गए हैं और IMDB में भी इसको दोस्तों अच्छे स्टार मिले हैं, 10 में से 6 के करीब इसको स्टार IMDB पे भी मिले हैं। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको एक बार देखनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो मूवी को जा करके जल्दी से जल्दी देखिए। आप इस मूवी को ऑनलाइन कहाँ देख सकते हैं मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ इसी वीडियो में कि आप इस मूवी को ऑनलाइन कैसे और कहाँ देख सकते हैं। ये जो मूवी है दोस्तों हिंदी में भी आ गई है, आप इस मूवी को Amazon Prime पे जा कर के ईज़िली देख सकते हैं। Amazon Prime पे ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है, इसको 6.5 की रेटिंग मिली है IMDB पे। बहुत ज़बरदस्त मूवी होने वाली है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल, और आज हम बात करने वाले हैं लाठी मूवी की। जी हाँ दोस्तों, विशाल का एक्शन ड्रामा छोटी मोटी खामियों से भरपूर है ये मूवी। निर्देशक विनोद कुमार की लाठी, जिसमें विशाल, सुनैना और रमाना ने अभिनय किया है। उत्कृष्ट स्टंट कोरियोग्राफी के साथ एक सम्मोहक एक्शन ड्रामा है। हमारी परीक्षा कहती है कि फिल्म अधिकांश भाग में आपका ध्यान खींचने में सफल रहती है। विशाल को सुपरहिट फिल्म दिए हुए काफ़ी समय भी हो चुका है। इवरुम्बू थिराई के बाद विशाल की कुछ फिल्में हैं जिन्हें मिश्रित क्षमता मिली, जबकि अन्य बिना किसी निशान के चली गई। अब विशाल लाठी के साथ वापस आ गए हैं, जो एक और पुलिस ड्रामा है जिसका उद्देश्य उसी तरह की फिल्मों से अलग होना है। क्या उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा किया? ये तो दोस्तों हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। एक क्रूर बलात्कार होता है और पुलिस अपराधी की तलाश में है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस कांस्टेबल मुरुगनाथम को सच कबूल कराने के लिए उसे कड़ी फटकार लगाने के लिए कहा गया। बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्होंने एक व्यक्ति पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया है। मानवाधिकार मामले के बाद गुरु गनाथम को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। एक दिन गुरु मथान का सामना गलती से उस अपराधी से हो जाता है जिसने जघन्य अपराध किया था। इसने उसके जीवन और करियर की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। क्या मुरुगनाथम अपराधी के प्रकोप से बच जाता है? क्या वह उस महिला को न्याय दिलवाएंगे जिसकी दुखद मौत हो गई? लाठी के पास उन सवालों के जवाब हैं। विनोद कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित लाठी एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को काफ़ी हद तक आश्चर्यचकित करती है। ऐसे समय में जब कॉलीवुड में पुलिस व्यवस्था में बेहतर पदनाम वाले पुलिसकर्मियों के बारे में फिल्मों का बोलबाला है, यह फिल्म एक पुलिस कांस्टेबल के बारे में है। एक ऐसा चरित्र जिसे तमिल सिनेमा में बड़े पैमाने पर नहीं देखा गया है। एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में विशाल कायल है। वह नौकरी की भेद्यता को सामने लाता है और दिखाता है कि कैसे सिस्टम निचली श्रेणी के कर्मचारियों का समर्थन नहीं करता है। उन्हें लाठी विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है और यही कारण है कि उन्हें निलंबित कर दिया गया है। फिल्म कुछ हद तक पुलिस की बर्बरता का भी महिमामंडन करती है। 6 महीने बाद जब वह बहाल होता है तो उसे लाठी छूने से डर लगता है। ये कुछ शानदार स्पर्श हैं जो आपको पहले भाग में मंत्रमुग्ध कर देते हैं। जहां विशाल को एक गैर वीर भूमिका वाली एंट्री मिलती है, वहीं खलनायक को पूरी फिल्म में प्रचारित किया जाता है। पहले भाग में खलनायक नकाबपोश होता है, लेकिन जो लोग कॉलीवुड को फॉलो करते हैं वे बड़े खुलासे से पहले ही
आसानी से पता लगा सकते हैं कि खलनायक कौन है। लाठी फिर चूहे बिल्ली का खेल बन जाती है, दो जो दिलचस्प है। विनोद कुमार ने अधिकांश भाग में रहस्य बनाए रखने का असाधारण काम किया है। हालांकि लैथ बिना खामियों वाली फिल्म नहीं है। जब फिल्में बलात्कार के बारे में बात करती हैं तो क्रूरता को स्क्रीन पर दिखाने के बारे में सोच समझकर निर्णय लेने की जिम्मेदारी पूरी तरह से निर्देशक के होती है। लाठी में बलात्कार बहुत अधिक ग्राफिक और अरुचिकर तरीके से किया गया है। हम इस बात से सहमत हैं कि उनके साथ बलात्कार हुआ था, लेकिन उसे दोबारा देखने की कोशिश कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कुछ डायलॉग्स बेहद बचकाने और हास्यास्पदा हैं। क्लाइमैक्स भी एक बिंदु से आगे खींचा गया है। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म शानदार स्टंट कोरियोग्राफी पर आधारित है और उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कैसे पीटर हैन को साधुवाद जिन्होंने सावधानी पूर्वक स्टंट दृश्यों को डिज़ाइन किया। लाठी पति पत्नी के बीच संतुलित रिश्ते को दिखाने का भी अच्छा काम करती है। यह आपको पालन पोषण की अच्छी सीख भी देता है। जब मुरुगनाथम और उसकी पत्नी सुनैना के बेटे रासू को घबराहट के दौरे पड़ते हैं तो वह उसे उसके लिए सही मदद लेते हैं। ये एक स्वागत योग्य बदलाव है, खासकर तब जब हम फिल्मों से परेशान करने वाले बच्चों को देखने के आदि हो गए हैं। विशाल के लिए लाठी उन कमज़ोर फिल्मों से अलग हैं जिनका वह पिछले कुछ वर्षों में हिस्सा रहे थे। फिल्म में विशाल ने सादी हुई परफॉर्मेंस देने की पूरी कोशिश की। सुनैना, रमाना, प्रभु, लिरिसा, राघव और कई अन्य लोगों ने प्रदर्शन के मामले में मुख्य कलाकारों की सहायता की। बाला सुब्रमण्यम और बालकृष्ण थोटा की सिनेमाग्राफी और संगीतकार युवान शंकर राजा के संगीत ने फिल्म को बढ़ाने में मदद की। कुल मिलाकर लाठी एक अलग पुलिस वाली फिल्म है और अधिकांश भाग में आकर्षक है। लाठी को 5 में से 2 पॉइंट स्टार दिए गए हैं और IMDB में भी इसको दोस्तों अच्छे स्टार मिले हैं। 10 में से 6 के करीब इसको स्टार IMDB पे भी मिले हैं। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको एक बार देखनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो मूवी को जा करके जल्दी से जल्दी देखिए। आप इस मूवी को ऑनलाइन कहाँ देख सकते हैं मैं आपको कन्फर्म कर देता हूँ इसी वीडियो में कि आप इस मूवी को ऑनलाइन कैसे और कहाँ देख सकते हैं। ये जो मूवी है दोस्तों हिंदी में भी आ गई है। आप इस मूवी को Amazon Prime पे जाकर के ईजिली देख सकते हैं। Amazon Prime पे ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है। इसको 6.5 की रेटिंग मिली है IMDB पे। बहुत ज़बरदस्त मूवी होने वाली है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं लाठी मूवी की। जी हाँ दोस्तों, विशाल का एक्शन ड्रामा छोटी मोटी खामियों से भरपूर है ये मूवी। निर्देशक विनोद कुमार की लाठी, जिसमें विशाल, सुनैना और रमाना ने अभिनय किया है। उत्कृष्ट स्टंट कोरियोग्राफी के साथ एक सम्मोहक एक्शन ड्रामा है। हमारी परीक्षा कहती है कि फिल्म अधिकांश भाग में आपका ध्यान खींचने में सफल रहती है। विशाल को सुपरहिट फिल्म दिए हुए काफ़ी समय भी हो चुका है। इवरुम्बू थिराई के बाद विशाल की कुछ फिल्में हैं जिन्हें मिश्रित क्षमता मिली, जबकि अन्य बिना किसी निशान के चली गई। अब विशाल लाठी के साथ वापस आ गए हैं, जो एक और पुलिस ड्रामा है जिसका उद्देश्य उसी तरह की फिल्मों से अलग होना है। क्या उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा किया? ये तो दोस्तों हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। एक क्रूर बलात्कार होता है और पुलिस अपराधी की तलाश में है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और
पुलिस कांस्टेबल मुरुगनाथम को सच कबूल कराने के लिए उसे कड़ी फटकार लगाने के लिए कहा गया। बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्होंने एक व्यक्ति पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया है। मानवाधिकार मामले के बाद गुरु गन्नाथम को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया। एक दिन गुरु मथान का सामना गलती से उस अपराधी से हो जाता है जिसने जघन्य अपराध किया था। इसने उसके जीवन और करियर की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। क्या मुरुगनाथम अपराधी के प्रकोप से बच जाता है? क्या वह उस महिला को न्याय दिलवाएंगे जिसकी दुखद मौत हो गई? लाठी के पास उन सवालों के जवाब हैं। विनोद कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित लाठी एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को काफ़ी हद तक आश्चर्यचकित करती है। ऐसे समय में जब कॉलीवुड में पुलिस व्यवस्था में बेहतर पदनाम वाले पुलिसकर्मियों के बारे में फिल्मों का बोलबाला है, यह फिल्म एक पुलिस कांस्टेबल के बारे में है। एक ऐसा चरित्र जिसे तमिल सिनेमा में बड़े पैमाने पर नहीं देखा गया है। एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में विशाल कायल है। वह नौकरी की भेद्यता को सामने लाता है और दिखाता है कि कैसे सिस्टम निचली श्रेणी के कर्मचारियों का समर्थन नहीं करता है। उन्हें लाठी विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है और यही कारण है कि उन्हें निलंबित कर दिया गया है। फिल्म कुछ हद तक पुलिस की बर्बरता का भी महिमामंडन करती है। 6 महीने बाद जब वह बहाल होता है तो उसे लाठी छूने से डर लगता है। ये कुछ शानदार स्पर्श हैं जो आपको पहले भाग में मंत्रमुग्ध कर देते हैं। जहां विशाल को एक गैर वीर भूमिका वाली एंट्री मिलती है, वहीं खलनायक को पूरी फिल्म में प्रचारित किया जाता है। पहले भाग में खलनायक नकाबपोश होता है, लेकिन जो लोग कॉलीवुड को फॉलो करते हैं वे बड़े खुलासे से पहले ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि खलनायक कौन है। लाठी फिर चूहे बिल्ली का खेल बन जाती है जो दिलचस्प है। विनोद कुमार ने अधिकांश भाग में रहस्य बनाए रखने का असाधारण काम किया है। हालांकि लेथ बिना खामियों वाली फिल्म नहीं है। जब फिल्में बलात्कार के बारे में बात करती हैं तो क्रूरता को स्क्रीन पर दिखाने के बारे में सोच समझकर निर्णय लेने की जिम्मेदारी पूरी तरह से निर्देशक के होती है। लाठी में बलात्कार बहुत अधिक ग्राफिक और अरुचिकर तरीके से किया गया है। हम इस बात से सहमत हैं कि उनके साथ बलात्कार हुआ था, लेकिन उसे दोबारा देखने की कोशिश कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कुछ डायलॉग्स बेहद बचकाने और हास्यास्पदा हैं। क्लाइमैक्स भी एक बिंदु से आगे खींचा गया है। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म शानदार स्टंट कोरियोग्राफी पर आधारित है और उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कैसे पीटर हैन को साधुवाद जिन्होंने सावधानीपूर्वक स्टंट दृश्यों को डिज़ाइन किया। लाठी पति पत्नी के बीच संतुलित रिश्ते को दिखाने का भी अच्छा काम करती है। यह आपको पालन पोषण की अच्छी सीख भी देता है। जब मुरुगनाथम और उसकी पत्नी सुनैना के बेटे रासू को घबराहट के दौरे पड़ते हैं तो वह उसे उसके लिए सही मदद लेते हैं। ये एक स्वागत योग्य बदलाव है, खासकर तब जब हम फिल्मों से परेशान करने वाले बच्चों को देखने के आदि हो गए हैं। विशाल के लिए लाठी उन कमज़ोर फिल्मों से अलग हैं जिनका वह पिछले कुछ वर्षों में हिस्सा रहे थे। फिल्म में विशाल ने सादी हुई परफॉर्मेंस देने की पूरी कोशिश की। सुनैना, रमाना, प्रभु, लिरिसा, राघव और कई अन्य लोगों ने प्रदर्शन के मामले में मुख्य कलाकारों की सहायता की। बाला सुब्रमण्यम और बालकृष्ण थोटा की सिनेमाग्राफी और संगीत
कलाकार युवान शंकर राजा के संगीत ने फिल्म को बढ़ाने में मदद की। कुल मिलाकर लाठी एक अलग पुलिस वाली फिल्म है और अधिकांश भाग में आकर्षक है। लाठी को 5 में से 2 पॉइंट स्टार दिए गए हैं और IMDb में भी इसको दोस्तों अच्छे स्टार मिले हैं, 10 में से 6 के करीब इसको स्टार IMDb पे भी मिले हैं। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको एक बार देखनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो मूवी को जा कर के जल्दी से जल्दी देखिए। आप इस मूवी को ऑनलाइन कहाँ देख सकते हैं मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ इसी वीडियो में कि आप इस मूवी को ऑनलाइन कैसे और कहाँ देख सकते हैं। ये जो मूवी है दोस्तों हिंदी में भी आ गई है। आप इस मूवी को Amazon Prime पे जा कर के ईज़िली देख सकते हैं। Amazon Prime पे ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है। इसको 6.5 की रेटिंग मिली है IMDb पे। बहुत ज़बरदस्त मूवी होने वाली है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर YouTube चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं लाठी मूवी की। जी हाँ दोस्तों, विशाल का एक्शन ड्रामा छोटी मोटी खामियों से भरपूर है ये मूवी। निर्देशक विनोद कुमार की लाठी, जिसमें विशाल, सुनैना और रमाना ने अभिनय किया है। उत्कृष्ट स्टंट कोरियोग्राफी के साथ एक सम्मोहक एक्शन ड्रामा है। हमारी परीक्षा कहती है कि फिल्म अधिकांश भाग में आपका ध्यान खींचने में सफल रहती है। विशाल को सुपरहिट फिल्म दिए हुए काफ़ी समय भी हो चुका है। इब्रुम्बू थिराई के बाद विशाल की कुछ फिल्में हैं जिन्हें मिश्रित क्षमता मिली, जबकि अन्य बिना किसी निशान के चली गई। अब विशाल लाठी के साथ वापस आ गए हैं, जो एक और पुलिस ड्रामा है जिसका उद्देश्य उसी तरह की फिल्मों से अलग होना है। क्या उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा किया? ये तो दोस्तों हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। एक क्रूर बलात्कार होता है और पुलिस अपराधी की तलाश में है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस कांस्टेबल मुरुगनाथम को सच कबूल कराने के लिए उसे कड़ी फटकार लगाने के लिए कहा गया। बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्होंने एक व्यक्ति पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया है। मानवाधिकार मामले के बाद गुरु गनाथम को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। एक दिन गुरु मथान का सामना गलती से उस अपराधी से हो जाता है जिसने जघन्य अपराध किया था। इसने उसके जीवन और करियर की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। क्या मुरुगनाथम अपराधी के प्रकोप से बच जाता है? क्या वह उस महिला को न्याय दिलवाएंगे जिसकी दुखद मौत हो गई? लाठी के पास उन सवालों के जवाब हैं। विनोद कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित लाठी एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को काफ़ी हद तक आश्चर्यचकित करती है। ऐसे समय में जब कॉलीवुड में पुलिस व्यवस्था में बेहतर पदनाम वाले पुलिसकर्मियों के बारे में फिल्मों का बोलबाला है, यह फिल्म एक पुलिस कांस्टेबल के बारे में है। एक ऐसा चरित्र जिसे तमिल सिनेमा में बड़े पैमाने पर नहीं देखा गया है। एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में विशाल कायल है। वह नौकरी की भेद्यता को सामने लाता है और दिखाता है कि कैसे सिस्टम निचली श्रेणी के कर्मचारियों का समर्थन नहीं करता है। उन्हें लाठी विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है और यही कारण है कि उन्हें निलंबित कर दिया गया है। फिल्म कुछ हद तक पुलिस की बर्बरता का भी महिमामंडन करती है। 6 महीने बाद जब वह बहाल होता है तो उसे लाठी छूने से डर लगता है। ये कुछ शानदार स्पर्श हैं जो आपको पहले भाग में मंत्रमुग्ध कर देते हैं। जहां विशाल को एक गैर वीर भूमिका वाली एंट्री मिलती है, वहीं खलनायक को पूरी फिल्म में प्रचारित किया जाता है। पहले भाग में खलनायक नकाबपोश होता है, लेकिन जो लोग
कॉलीवुड को फॉलो करते हैं वे बड़े खुलासे से पहले ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि खलनायक कौन है। लाठी फिर चूहे बिल्ली का खेल बन जाती है दो जो दिलचस्प हैं। विनोद कुमार ने अधिकांश भाग में रहस्य बनाए रखने का असाधारण काम किया है। हालांकि लेथ बिना खामियों वाली फिल्म नहीं है। जब फिल्में बलात्कार के बारे में बात करती हैं तो क्रूरता को स्क्रीन पर दिखाने के बारे में सोच समझकर निर्णय लेने की जिम्मेदारी पूरी तरह से निर्देशक के होती है। लाठी में बलात्कार बहुत अधिक ग्राफिक और अरुचिकर तरीके से किया गया है। हम इस बात से सहमत हैं कि उनके साथ बलात्कार हुआ था, लेकिन उसे दोबारा देखने की कोशिश कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कुछ डायलॉग्स बेहद बचकाने और हास्यास्पदा हैं। क्लाइमैक्स भी एक बिंदु से आगे खींचा गया है। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म शानदार स्टंट कोरियोग्राफी पर आधारित है और उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कैसे पीटर हैन को साधुवाद जिन्होंने सावधानी पूर्वक स्टंट दृश्यों को डिज़ाइन किया। लाठी पति पत्नी के बीच संतुलित रिश्ते को दिखाने का भी अच्छा काम करती है। यह आपको पालन पोषण की अच्छी सीख भी देता है। जब मुरुगनाथम और उसकी पत्नी सुनैना के बेटे रासू को घबराहट के दौरे पड़ते हैं तो वह उसे उसके लिए सही मदद लेते हैं। ये एक स्वागत योग्य बदलाव है, खासकर तब जब हम फिल्मों से परेशान करने वाले बच्चों को देखने के आदि हो गए हैं। विशाल के लिए लाठी उन कमज़ोर फिल्मों से अलग हैं जिनका वह पिछले कुछ वर्षों में हिस्सा रहे थे। फिल्म में विशाल ने शादी हुई परफॉर्मेंस देने की पूरी कोशिश की। सुनैना, रमाना प्रभु, लिरिसा राघव और कई अन्य लोगों ने प्रदर्शन के मामले में मुख्य कलाकारों की सहायता की। बाला सुब्रमण्यम और बालकृष्ण थोटा की सिनेमाग्राफी और संगीतकार युवान शंकर राजा के संगीत ने फिल्म को बढ़ाने में मदद की। कुल मिलाकर लाठी एक अलग पुलिस वाली फिल्म है और अधिकांश भाग में आकर्षक है। लाठी को 5 में से 2 पॉइंट स्टार दिए गए हैं और IMDB में भी इसको दोस्तों अच्छे स्टार मिले हैं। 10 में से 6 के करीब इसको स्टार IMDB पे भी मिले हैं। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको एक बार देखनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो मूवी को जा करके जल्दी से जल्दी देखिए। आप इस मूवी को ऑनलाइन कहाँ देख सकते हैं मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ इसी वीडियो में कि आप इस मूवी को ऑनलाइन कैसे और कहाँ देख सकते हैं। ये जो मूवी है दोस्तों हिंदी में भी आ गई है। आप इस मूवी को Amazon Prime पे जा कर के ईज़िली देख सकते हैं। Amazon Prime पे ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है। इसको 6.5 की रेटिंग मिली है IMDB पे। बहुत ज़बरदस्त मूवी होने वाली है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर YouTube चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं लाठी मूवी की। जी हाँ दोस्तों, विशाल का एक्शन ड्रामा छोटी मोटी खामियों से भरपूर है ये मूवी। निर्देशक विनोद कुमार की लाठी, जिसमें विशाल, सुनैना और रमाना ने अभिनय किया है। उत्कृष्ट स्टंट कोरियोग्राफी के साथ एक सम्मोहक एक्शन ड्रामा है। हमारी परीक्षा कहती है कि फिल्म अधिकांश भाग में आपका ध्यान खींचने में सफल रहती है। विशाल को सुपरहिट फिल्म दिए हुए काफ़ी समय भी हो चुका है। इब्रुम्बू थिराई के बाद विशाल की कुछ फिल्में हैं जिन्हें मिश्रित क्षमता मिली, जबकि अन्य बिना किसी निशान के चली गई। अब विशाल लाठी के साथ वापस आ गए हैं, जो एक और पुलिस ड्रामा है जिसका उद्देश्य उसी तरह की फिल्मों से अलग होना है। क्या उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा किया? ये तो दोस्तों हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। एक क्रूर बलात्कार होता है और
पुलिस अपराधी की तलाश में है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस कांस्टेबल मुरुगनाथम को सच कबूल कराने के लिए उसे कड़ी फटकार लगाने के लिए कहा गया। बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्होंने एक व्यक्ति पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया है। मानवाधिकार मामले के बाद गुरु गनाथम को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया। एक दिन गुरु मथान का सामना गलती से उस अपराधी से हो जाता है जिसने जघन्य अपराध किया था। इसने उसके जीवन और करियर की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। क्या मुरुगनाथम अपराधी के प्रकोप से बच जाता है? क्या वह उस महिला को न्याय दिलवाएंगे जिसकी दुखद मौत हो गई? लाठी के पास उन सवालों के जवाब हैं। विनोद कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित लाठी एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को काफ़ी हद तक आश्चर्यचकित करती है। ऐसे समय में जब कॉलीवुड में पुलिस व्यवस्था में बेहतर पदनाम वाले पुलिसकर्मियों के बारे में फिल्मों का बोलबाला है, यह फिल्म एक पुलिस कांस्टेबल के बारे में है। एक ऐसा चरित्र जिसे तमिल सिनेमा में बड़े पैमाने पर नहीं देखा गया है। एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में विशाल कायल है। वह नौकरी की भेद्यता को सामने लाता है और दिखाता है कि कैसे सिस्टम निचली श्रेणी के कर्मचारियों का समर्थन नहीं करता है। उन्हें लाठी विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है और यही कारण है कि उन्हें निलंबित कर दिया गया है। फिल्म कुछ हद तक पुलिस की बर्बरता का भी महिमामंडन करती है। 6 महीने बाद जब वह बहाल होता है तो उसे लाठी छूने से डर लगता है। ये कुछ शानदार स्पर्श हैं जो आपको पहले भाग में मंत्रमुग्ध कर देते हैं। जहां विशाल को एक गैर वीर भूमिका वाली एंट्री मिलती है, वहीं खलनायक को पूरी फिल्म में प्रचारित किया जाता है। पहले भाग में खलनायक नकाबपोश होता है, लेकिन जो लोग कॉलीवुड को फॉलो करते हैं वे बड़े खुलासे से पहले ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि खलनायक कौन है। लाठी फिर चूहे बिल्ली का खेल बन जाती है जो दिलचस्प है। विनोद कुमार ने अधिकांश भाग में रहस्य बनाए रखने का असाधारण काम किया है। हालांकि लेथ बिना खामियों वाली फिल्म नहीं है। जब फिल्में बलात्कार के बारे में बात करती हैं तो क्रूरता को स्क्रीन पर दिखाने के बारे में सोच समझकर निर्णय लेने की जिम्मेदारी पूरी तरह से निर्देशक के होती है। लाठी में बलात्कार बहुत अधिक ग्राफिक और अरुचिकर तरीके से किया गया है। हम इस बात से सहमत हैं कि उनके साथ बलात्कार हुआ था, लेकिन उसे दोबारा देखने की कोशिश कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कुछ डायलॉग्स बेहद बचकाने और हास्यास्पदा हैं। क्लाइमैक्स भी एक बिंदु से आगे खींचा गया है। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म शानदार स्टंट कोरियोग्राफी पर आधारित है और उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कैसे पीटर हैन को साधुवाद जिन्होंने सावधानी पूर्वक स्टंट दृश्यों को डिज़ाइन किया। लाठी पति पत्नी के बीच संतुलित रिश्ते को दिखाने का भी अच्छा काम करती है। यह आपको पालन पोषण की अच्छी सीख भी देता है। जब मुरुगनाथम और उसकी पत्नी सुनैना के बेटे रासू को घबराहट के दौरे पड़ते हैं तो वह उसके लिए सही मदद लेते हैं। ये एक स्वागत योग्य बदलाव है, खासकर तब जब हम फिल्मों से परेशान करने वाले बच्चों को देखने के आदि हो गए हैं। विशाल के लिए लाठी उन कमज़ोर फिल्मों से अलग हैं जिनका वह पिछले कुछ वर्षों में हिस्सा रहे थे। फिल्म में विशाल ने शादी हुई परफॉर्मेंस देने की पूरी कोशिश की। सुनैना, रमाना प्रभु, लिरिसा राघव और कई अन्य लोगों ने प्रदर्शन के मामले में मुख्य कलाकारों की सहायता की।
बाला सुब्रमण्यम और बालकृष्ण थोटा की सिनेमाग्राफी और संगीतकार युवान शंकर राजा के संगीत ने फिल्म को बढ़ाने में मदद की। कुल मिलाकर लाठी एक अलग पुलिस वाली फिल्म है और अधिकांश भाग में आकर्षक है। लाठी को 5 में से 2 पॉइंट स्टार दिए गए हैं और IMDB में भी इसको दोस्तों अच्छे स्टार मिले हैं, 10 में से 6 के करीब इसको स्टार IMDB पे भी मिले हैं। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको एक बार देखनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो मूवी को जा करके जल्दी से जल्दी देखिए। आप इस मूवी को ऑनलाइन कहाँ देख सकते हैं मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ इसी वीडियो में कि आप इस मूवी को ऑनलाइन कैसे और कहाँ देख सकते हैं। ये जो मूवी है दोस्तों हिंदी में भी आ गई है। आप इस मूवी को Amazon Prime पे जा कर के ईज़िली देख सकते हैं। Amazon Prime पे ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है। इसको 6.5 की रेटिंग मिली है IMDB पे। बहुत ज़बरदस्त मूवी होने वाली है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर YouTube चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं लाठी मूवी की। जी हाँ दोस्तों, विशाल का एक्शन ड्रामा छोटी मोटी खामियों से भरपूर है ये मूवी। निर्देशक विनोद कुमार की लाठी, जिसमें विशाल, सुनैना और रमाना ने अभिनय किया है। उत्कृष्ट स्टंट कोरियोग्राफी के साथ एक सम्मोहक एक्शन ड्रामा है। हमारी परीक्षा कहती है कि फिल्म अधिकांश भाग में आपका ध्यान खींचने में सफल रहती है। विशाल को सुपरहिट फिल्म दिए हुए काफ़ी समय भी हो चुका है। इवरुम्बू थिराई के बाद विशाल की कुछ फिल्में हैं जिन्हें मिश्रित क्षमता मिली, जबकि अन्य बिना किसी निशान के चली गई। अब विशाल लाठी के साथ वापस आ गए हैं, जो एक और पुलिस ड्रामा है जिसका उद्देश्य उसी तरह की फिल्मों से अलग होना है। क्या उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा किया? ये तो दोस्तों हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। एक क्रूर बलात्कार होता है और पुलिस अपराधी की तलाश में है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस कांस्टेबल मुरुगनाथम को सच कबूल कराने के लिए उसे कड़ी फटकार लगाने के लिए कहा गया। बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्होंने एक व्यक्ति पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया है। मानवाधिकार मामले के बाद गुरु गनाथम को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। एक दिन गुरु मथान का सामना गलती से उस अपराधी से हो जाता है जिसने जघन्य अपराध किया था। इसने उसके जीवन और करियर की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। क्या मुरुगनाथम अपराधी के प्रकोप से बच जाता है? क्या वह उस महिला को न्याय दिलवाएंगे जिसकी दुखद मौत हो गई? लाठी के पास उन सवालों के जवाब हैं। विनोद कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित लाठी एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को काफ़ी हद तक आश्चर्यचकित करती है। ऐसे समय में जब कॉलीवुड में पुलिस व्यवस्था में बेहतर पदनाम वाले पुलिसकर्मियों के बारे में फिल्मों का बोलबाला है, यह फिल्म एक पुलिस कांस्टेबल के बारे में है। एक ऐसा चरित्र जिसे तमिल सिनेमा में बड़े पैमाने पर नहीं देखा गया है। एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में विशाल कायल है। वह नौकरी की भेद्यता को सामने लाता है और दिखाता है कि कैसे सिस्टम निचली श्रेणी के कर्मचारियों का समर्थन नहीं करता है। उन्हें लाठी विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है और यही कारण है कि उन्हें निलंबित कर दिया गया है। फिल्म कुछ हद तक पुलिस की बर्बरता का भी महिमा मंडल करती है। 6 महीने बाद जब वह बहाल होता है तो उसे लाठी छूने से डर लगता है। ये कुछ शानदार स्पर्श हैं जो आपको पहले भाग में मंत्रमुग्ध कर देते हैं। जहां विशाल को एक गैर वीर भूमिका वाली एंट्री मिलती है, वहीं खलनायक को पूरी फिल्म
में प्रचारित किया जाता है। पहले भाग में खलनायक नकाबपोश होता है, लेकिन जो लोग कॉलीवुड को फॉलो करते हैं वे बड़े खुलासे से पहले ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि खलनायक कौन है। लाठी फिर चूहे बिल्ली का खेल बन जाती है जो दिलचस्प है। विनोद कुमार ने अधिकांश भाग में रहस्य बनाए रखने का असाधारण काम किया है। हालांकि लैथ बिना खामियों वाली फिल्म नहीं है। जब फिल्में बलात्कार के बारे में बात करती हैं तो क्रूरता को स्क्रीन पर दिखाने के बारे में सोच समझकर निर्णय लेने की जिम्मेदारी पूरी तरह से निर्देशक के होती है। लाठी में बलात्कार बहुत अधिक ग्राफिक और अरुचिकर तरीके से किया गया है। हम इस बात से सहमत हैं कि उनके साथ बलात्कार हुआ था, लेकिन उसे दोबारा देखने की कोशिश कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कुछ डायलॉग्स बेहद बचकाने और हास्यास्पर्धा हैं। क्लाइमैक्स भी एक बिंदु से आगे खींचा गया है। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म शानदार स्टंट कोरियोग्राफी पर आधारित है और उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कैसे पीटर हैन को साधुवाद जिन्होंने सावधानी पूर्वक स्टंट दृश्यों को डिज़ाइन किया। लाठी पति पत्नी के बीच संतुलित रिश्ते को दिखाने का भी अच्छा काम करती है। यह आपको पालन पोषण की अच्छी सीख भी देता है। जब मुरुगनाथम और उसकी पत्नी सुनैना के बेटे रासू को घबराहट के दौरे पड़ते हैं तो वह उसके लिए सही मदद लेते हैं। ये एक स्वागत योग्य बदलाव है, खासकर तब जब हम फिल्मों से परेशान करने वाले बच्चों को देखने के आदि हो गए हैं। विशाल के लिए लाठी उन कमज़ोर फिल्मों से अलग हैं जिनका वह पिछले कुछ वर्षों में हिस्सा रहे थे। फिल्म में विशाल ने शादी हुई परफॉर्मेंस देने की पूरी कोशिश की। सुनैना, रमाना, प्रभु, लिरिसा, राघव और कई अन्य लोगों ने प्रदर्शन के मामले में मुख्य कलाकारों की सहायता की। बाला सुब्रमण्यम और बालकृष्ण थोटा की सिनेमाग्राफी और संगीतकार युवान शंकर राजा के संगीत ने फिल्म को बढ़ाने में मदद की। कुल मिलाकर लाठी एक अलग पुलिस वाली फिल्म है और अधिकांश भाग में आकर्षक है। लाठी को 5 में से 2 पॉइंट स्टार दिए गए हैं और IMDB में भी इसको दोस्तों अच्छे स्टार मिले हैं। 10 में से 6 के करीब इसको स्टार IMDB पे भी मिले हैं। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको एक बार देखनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो मूवी को जा करके जल्दी से जल्दी देखिए। आप इस मूवी को ऑनलाइन कहाँ देख सकते हैं मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ इसी वीडियो में कि आप इस मूवी को ऑनलाइन कैसे और कहाँ देख सकते हैं। ये जो मूवी है दोस्तों हिंदी में भी आ गई है। आप इस मूवी को Amazon प्राइम पे जा कर के ईज़िली देख सकते हैं। Amazon प्राइम पे ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है। इसको 6.5 की रेटिंग मिली है IMDB पे। बहुत ज़बरदस्त मूवी होने वाली है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर YouTube चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं लाठी मूवी की। जी हाँ दोस्तों, विशाल का एक्शन ड्रामा छोटी मोटी खामियों से भरपूर है ये मूवी। निर्देशक विनोद कुमार की लाठी, जिसमें विशाल, सुनैना और रमाना ने अभिनय किया है। उत्कृष्ट स्टंट कोरियोग्राफी के साथ एक सम्मोहक एक्शन ड्रामा है। हमारी परीक्षा कहती है कि फिल्म अधिकांश भाग में आपका ध्यान खींचने में सफल रहती है। विशाल को सुपरहिट फिल्म दिए हुए काफ़ी समय भी हो चुका है। इब्रुम्बू थिराई के बाद विशाल की कुछ फिल्में हैं जिन्हें मिश्रित क्षमता मिली, जबकि अन्य बिना किसी निशान के चली गई। अब विशाल लाठी के साथ वापस आ गए हैं, जो एक और पुलिस ड्रामा है जिसका उद्देश्य उसी तरह की फिल्मों से अलग होना है। क्या उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा किया?
ये तो दोस्तों हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। एक क्रूर बलात्कार होता है और पुलिस अपराधी की तलाश में है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस कांस्टेबल मुरुगनाथम को सच कबूल कराने के लिए, उसे कड़ी फटकार लगाने के लिए कहा गया। बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्होंने एक व्यक्ति पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया है। मानवाधिकार मामले के बाद गुरु गन्नाथम को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। एक दिन गुरु मथान का सामना गलती से उस अपराधी से हो जाता है जिसने जघन्य अपराध किया था। इसने उसके जीवन और करियर की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। क्या मुरुगनाथम अपराधी के प्रकोप से बच जाता है? क्या वह उस महिला को न्याय दिलवाएंगे जिसकी दुखद मौत हो गई? लाठी के पास उन सवालों के जवाब हैं। विनोद कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित लाठी एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को काफ़ी हद तक आश्चर्यचकित करती है। ऐसे समय में जब कॉलीवुड में पुलिस व्यवस्था में बेहतर पदनाम वाले पुलिसकर्मियों के बारे में फिल्मों का बोलबाला है, यह फिल्म एक पुलिस कांस्टेबल के बारे में है। एक ऐसा चरित्र जिसे तमिल सिनेमा में बड़े पैमाने पर नहीं देखा गया है। एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में विशाल कायल है। वह नौकरी की भेद्यता को सामने लाता है और दिखाता है कि कैसे सिस्टम निचली श्रेणी के कर्मचारियों का समर्थन नहीं करता है। उन्हें लाठी विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है और यही कारण है कि उन्हें निलंबित कर दिया गया है। फिल्म कुछ हद तक पुलिस की बर्बरता का भी महिमामंडन करती है। 6 महीने बाद जब वह बहाल होता है तो उसे लाठी छूने से डर लगता है। ये कुछ शानदार स्पर्श हैं जो आपको पहले भाग में मंत्रमुग्ध कर देते हैं। जहां विशाल को एक गैर वीर भूमिका वाली एंट्री मिलती है, वहीं खलनायक को पूरी फिल्म में प्रचारित किया जाता है। पहले भाग में खलनायक नकाबपोश होता है, लेकिन जो लोग कॉलीवुड को फॉलो करते हैं वे बड़े खुलासे से पहले ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि खलनायक कौन है। लाठी फिर चूहे बिल्ली का खेल बन जाती है जो दिलचस्प है। विनोद कुमार ने अधिकांश भाग में रहस्य बनाए रखने का असाधारण काम किया है। हालांकि लेथ बिना खामियों वाली फिल्म नहीं है। जब फिल्में बलात्कार के बारे में बात करती हैं तो क्रूरता को स्क्रीन पर दिखाने के बारे में सोच समझकर निर्णय लेने की जिम्मेदारी पूरी तरह से निर्देशक के होती है। लाठी में बलात्कार बहुत अधिक ग्राफिक और अरुचिकार तरीके से किया गया है। हम इस बात से सहमत हैं कि उनके साथ बलात्कार हुआ था, लेकिन उसे दोबारा देखने की कोशिश कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह कुछ डायलॉग्स बेहद बचकाने और हास्यास्पद हैं। क्लाइमैक्स भी एक बिंदु से आगे खींचा गया है। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म शानदार स्टंट कोरियोग्राफी पर आधारित है और उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कैसे पीटर हैन को साधुवाद जिन्होंने सावधानीपूर्वक स्टंट दृश्यों को डिज़ाइन किया। लाठी पति पत्नी के बीच संतुलित रिश्ते को दिखाने का भी अच्छा काम करती है। यह आपको पालन पोषण की अच्छी सीख भी देता है। जब मुरुगनाथम और उसकी पत्नी सुनैना के बेटे टासु को घबराहट के दौरे पड़ते हैं तो वह उसे उसके लिए सही मदद लेते हैं। ये एक स्वागत योग्य बदलाव है, खासकर तब जब हम फिल्मों से परेशान करने वाले बच्चों को देखने के आदी हो गए हैं। विशाल के लिए लाठी उन कमज़ोर फिल्मों से अलग हैं जिनका वह पिछले कुछ वर्षों में हिस्सा रहे थे। फिल्म में विशाल ने सादी हुई परफॉर्मेंस देने की पूरी कोशिश की। सुनैना, रमाना, प्रभु,
लिरिसा राघव और कई अन्य लोगों ने प्रदर्शन के मामले में मुख्य कलाकारों की सहायता की। बाला सुब्रमण्यम और बालकृष्ण थोटा की सिनेमाग्राफी और संगीतकार युवान शंकर राजा के संगीत ने फिल्म को बढ़ाने में मदद की। कुल मिलाकर लाठी एक अलग पुलिस वाली फिल्म है और अधिकांश भाग में आकर्षक है। लाठी को 5 में से 2 पॉइंट स्टार दिए गए हैं और IMDB में भी इसको दोस्तों अच्छे स्टार मिले हैं, 10 में से 6 के करीब इसको स्टार IMDB पे भी मिले हैं। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको एक बार देखनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो मूवी को जा करके जल्दी से जल्दी देखिए। आप इस मूवी को ऑनलाइन कहाँ देख सकते हैं मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ इसी वीडियो में कि आप इस मूवी को ऑनलाइन कैसे और कहाँ देख सकते हैं। ये जो मूवी है दोस्तों हिंदी में भी आ गई है, आप इस मूवी को Amazon प्राइम पे जा कर के ईज़िली देख सकते हैं। Amazon प्राइम पे ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है, इसको 6.5 की रेटिंग मिली है IMDB पे। बहुत ज़बरदस्त मूवी होने वाली है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल, और आज हम बात करने वाले हैं लाठी मूवी की। जी हाँ दोस्तों, विशाल का एक्शन ड्रामा छोटी मोटी खामियों से भरपूर है ये मूवी। निर्देशक विनोद कुमार की लाठी, जिसमें विशाल, सुनैना और रमाना ने अभिनय किया है। उत्कृष्ट स्टंट कोरियोग्राफी के साथ एक सम्मोहक एक्शन ड्रामा है। हमारी परीक्षा कहती है कि फिल्म अधिकांश भाग में आपका ध्यान खींचने में सफल रहती है। विशाल को सुपरहिट फिल्म दिए हुए काफ़ी समय भी हो चुका है। इवरुम्बू थिराई के बाद विशाल की कुछ फिल्में हैं जिन्हें मिश्रित क्षमता मिली, जबकि अन्य बिना किसी निशान के चली गई। अब विशाल लाठी के साथ वापस आ गए हैं, जो एक और पुलिस ड्रामा है जिसका उद्देश्य उसी तरह की फिल्मों से अलग होना है। क्या उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा किया? ये तो दोस्तों हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। एक क्रूर बलात्कार होता है और पुलिस अपराधी की तलाश में है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस कांस्टेबल मुरुगनाथम को सच कबूल कराने के लिए उसे कड़ी फटकार लगाने के लिए कहा गया। बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्होंने एक व्यक्ति पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया है। मानवाधिकार मामले के बाद गुरु गनाथम को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। एक दिन गुरु मथान का सामना गलती से उस अपराधी से हो जाता है जिसने जघन्य अपराध किया था। इसने उसके जीवन और करियर की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। क्या मुरुगनाथम अपराधी के प्रकोप से बच जाता है? क्या वह उस महिला को न्याय दिलवाएंगे जिसकी दुखद मौत हो गई? लाठी के पास उन सवालों के जवाब हैं। विनोद कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित लाठी एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को काफ़ी हद तक आश्चर्यचकित करती है। ऐसे समय में जब कॉलीवुड में पुलिस व्यवस्था में बेहतर पदनाम वाले पुलिसकर्मियों के बारे में फिल्मों का बोलबाला है, यह फिल्म एक पुलिस कांस्टेबल के बारे में है। एक ऐसा चरित्र जिसे तमिल सिनेमा में बड़े पैमाने पर नहीं देखा गया है। एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में विशाल कायल है। वह नौकरी की भेद्यता को सामने लाता है और दिखाता है कि कैसे सिस्टम निचली श्रेणी के कर्मचारियों का समर्थन नहीं करता है। उन्हें लाठी विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है और यही कारण है कि उन्हें निलंबित कर दिया गया है। फिल्म कुछ हद तक पुलिस की बर्बरता का भी महिमामंडन करती है। 6 महीने बाद जब वह बहाल होता है तो उसे लाठी छूने से डर लगता है। ये कुछ शानदार स्पर्श हैं जो आपको पहले भाग में मंत्रमुग्ध कर देते हैं।
जहां विशाल को एक गैर वीर भूमिका वाली एंट्री मिलती है, वहीं खलनायक को पूरी फिल्म में प्रचारित किया जाता है। पहले भाग में खलनायक नकाबपोश होता है, लेकिन जो लोग कॉलीवुड को फॉलो करते हैं वे बड़े खुलासे से पहले ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि खलनायक कौन है। लाठी फिर चूहे बिल्ली का खेल बन जाती है, जो दिलचस्प है। विनोद कुमार ने अधिकांश भाग में रहस्य बनाए रखने का असाधारण काम किया है। हालांकि लैथ बिना खामियों वाली फिल्म नहीं है। जब फिल्में बलात्कार के बारे में बात करती हैं, तो क्रूरता को स्क्रीन पर दिखाने के बारे में सोच समझकर निर्णय लेने की जिम्मेदारी पूरी तरह से निर्देशक के होती है। लाठी में बलात्कार बहुत अधिक ग्राफिक और अरुचिकार तरीके से किया गया है। हम इस बात से सहमत हैं कि उनके साथ बलात्कार हुआ था, लेकिन उसे दोबारा देखने की कोशिश कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कुछ डायलॉग्स बेहद बचकाने और हास्यास्पद हैं। क्लाइमैक्स भी एक बिंदु से आगे खींचा गया है। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म शानदार स्टंट कोरियोग्राफी पर आधारित है, और उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कैसे पीटर हैन को साधुवाद जिन्होंने सावधानीपूर्वक स्टंट दृश्यों को डिज़ाइन किया। लाठी पति पत्नी के बीच संतुलित रिश्ते को दिखाने का भी अच्छा काम करती है। यह आपको पालन पोषण की अच्छी सीख भी देता है। जब मुरुगनाथम और उसकी पत्नी सुनैना के बेटे रासू को घबराहट के दौरे पड़ते हैं, तो वह उसे उसके लिए सही मदद लेते हैं। ये एक स्वागत योग्य बदलाव है, खासकर तब जब हम फिल्मों से परेशान करने वाले बच्चों को देखने के आदी हो गए हैं। विशाल के लिए लाठी उन कमज़ोर फिल्मों से अलग हैं जिनका वह पिछले कुछ वर्षों में हिस्सा रहे थे। फिल्म में विशाल ने सादी हुई परफॉर्मेंस देने की पूरी कोशिश की। सुनैना, रमाना, प्रभु, लिरिसा, राघव और कई अन्य लोगों ने प्रदर्शन के मामले में मुख्य कलाकारों की सहायता की। बाला सुब्रमण्यम और बाल कृष्ण थोटा की सिनेमाग्राफी और संगीतकार युवान शंकर राजा के संगीत ने फिल्म को बढ़ाने में मदद की। कुल मिलाकर लाठी एक अलग पुलिस वाली फिल्म है और अधिकांश भाग में आकर्षक है। लाठी को 5 में से 2.0 स्टार दिए गए हैं और IMDb में भी इसको दोस्तों अच्छे स्टार मिले हैं। 10 में से 6 के करीब इसको स्टार IMDb पे भी मिले हैं। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको एक बार देखनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो मूवी को जा करके जल्दी से जल्दी देखिए। आप इस मूवी को ऑनलाइन कहाँ देख सकते हैं, मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ इसी वीडियो में कि आप इस मूवी को ऑनलाइन कैसे और कहाँ देख सकते हैं। ये जो मूवी है दोस्तों हिंदी में भी आ गई है। आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम पे जाकर के इजीली देख सकते हैं। अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है। इसको 6.5 की रेटिंग मिली है IMDb पे। बहुत ज़बरदस्त मूवी होने वाली है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं लाठी मूवी की। जी हाँ दोस्तों, विशाल का एक्शन ड्रामा छोटी मोटी खामियों से भरपूर है ये मूवी। निर्देशक विनोद कुमार की लाठी, जिसमें विशाल, सुनैना और रमाना ने अभिनय किया है। उत्कृष्ट स्टंट कोरियोग्राफी के साथ एक सम्मोहक एक्शन ड्रामा है। हमारी परीक्षा कहती है कि फिल्म अधिकांश भाग में आपका ध्यान खींचने में सफल रहती है। विशाल को सुपरहिट फिल्म दिए हुए काफ़ी समय भी हो चुका है। इवरुम्बु थिराई के बाद विशाल की कुछ फिल्में हैं जिन्हें मिश्रित क्षमता मिली, जबकि अन्य बिना किसी निशान के चली गई। अब विशाल लाठी के साथ वापस आ गए हैं, जो एक और पुलिस ड्रामा है जिसका उद्देश्य उसी तरह की फिल्मों से अलग होना है। क्या उन्होंने जो वादा
किया था उसे पूरा किया। ये तो दोस्तों हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। एक क्रूर बलात्कार होता है और पुलिस अपराधी की तलाश में है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस कांस्टेबल मुरुगनाथम को सच कबूल कराने के लिए, उसे कड़ी फटकार लगाने के लिए कहा गया। बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्होंने एक व्यक्ति पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया है। मानवाधिकार मामले के बाद गुरु गन्नाथम को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। एक दिन गुरु मथान का सामना गलती से उस अपराधी से हो जाता है जिसने जघन्य अपराध किया था। इसने उसके जीवन और करियर की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। क्या मुरुगनाथम अपराधी के प्रकोप से बच जाता है? क्या वह उस महिला को न्याय दिलवाएंगे जिसकी दुखद मौत हो गई? लाठी के पास उन सवालों के जवाब हैं। विनोद कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित लाठी एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को काफ़ी हद तक आश्चर्यचकित करती है। ऐसे समय में जब कॉलीवुड में पुलिस व्यवस्था में बेहतर पदनाम वाले पुलिसकर्मियों के बारे में फिल्मों का बोलबाला है, यह फिल्म एक पुलिस कांस्टेबल के बारे में है। एक ऐसा चरित्र जिसे तमिल सिनेमा में बड़े पैमाने पर नहीं देखा गया है। एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में विशाल कायल है। वह नौकरी की भेद्यता को सामने लाता है और दिखाता है कि कैसे सिस्टम निचली श्रेणी के कर्मचारियों का समर्थन नहीं करता है। उन्हें लाठी विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है और यही कारण है कि उन्हें निलंबित कर दिया गया है। फिल्म कुछ हद तक पुलिस की बर्बरता का भी महिमामंडन करती है। 6 महीने बाद जब वह बहाल होता है तो उसे लाठी छूने से डर लगता है। ये कुछ शानदार स्पर्श हैं जो आपको पहले भाग में मंत्रमुग्ध कर देते हैं। जहाँ विशाल को एक गैर वीर भूमिका वाली एंट्री मिलती है, वहीं खलनायक को पूरी फिल्म में प्रचारित किया जाता है। पहले भाग में खलनायक नकाबपोश होता है, लेकिन जो लोग कॉलीवुड को फॉलो करते हैं वे बड़े खुलासे से पहले ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि खलनायक कौन है। लाठी फिर चूहे बिल्ली का खेल बन जाती है जो दिलचस्प है। विनोद कुमार ने अधिकांश भाग में रहस्य बनाए रखने का असाधारण काम किया है। हालांकि लैथ बिना खामियों वाली फिल्म नहीं है। जब फिल्में बलात्कार के बारे में बात करती हैं तो क्रूरता को स्क्रीन पर दिखाने के बारे में सोच समझकर निर्णय लेने की जिम्मेदारी पूरी तरह से निर्देशक के होती है। लाठी में बलात्कार बहुत अधिक ग्राफिक और अरुचिकार तरीके से किया गया है। हम इस बात से सहमत हैं कि उनके साथ बलात्कार हुआ था, लेकिन उसे दोबारा देखने की कोशिश कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कुछ डायलॉग्स बेहद बचकाने और हास्यास्पद हैं। क्लाइमैक्स भी एक बिंदु से आगे खींचा गया है। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म शानदार स्टंट कोरियोग्राफी पर आधारित है और उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कैसे पीटर हैन को साधुवाद जिन्होंने सावधानीपूर्वक स्टंट दृश्यों को डिज़ाइन किया। लाठी पति पत्नी के बीच संतुलित रिश्ते को दिखाने का भी अच्छा काम करती है। यह आपको पालन पोषण की अच्छी सीख भी देता है। जब मुरुगनाथम और उसकी पत्नी सुनैना के बेटे टासु को घबराहट के दौरे पड़ते हैं तो वह उसे उसके लिए सही मदद लेते हैं। ये एक स्वागत योग्य बदलाव है, खासकर तब जब हम फिल्मों से परेशान करने वाले बच्चों को देखने के आदी हो गए हैं। विशाल के लिए लाठी उन कमज़ोर फिल्मों से अलग हैं जिनका वह पिछले कुछ वर्षों में हिस्सा रहे थे। फिल्म में विशाल ने शादी हुई
परफॉर्मेंस देने की पूरी कोशिश की। सुनैना, रमाना, प्रभु, लिरिसा, राघव और कई अन्य लोगों ने प्रदर्शन के मामले में मुख्य कलाकारों की सहायता की। बाला सुब्रमण्यम और बालकृष्ण थोटा की सिनेमाग्राफी और संगीतकार युवान शंकर राजा के संगीत ने फिल्म को बढ़ाने में मदद की। कुल मिलाकर लाठी एक अलग पुलिस वाली फिल्म है और अधिकांश भाग में आकर्षक है। लाठी को 5 में से 2 पॉइंट स्टार दिए गए हैं और IMDB में भी इसको दोस्तों अच्छे स्टार मिले हैं। 10 में से 6 के करीब इसको स्टार IMDB पे भी मिले हैं। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको एक बार देखनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो मूवी को जा करके जल्दी से जल्दी देखिए। आप इस मूवी को ऑनलाइन कहाँ देख सकते हैं मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ इसी वीडियो में कि आप इस मूवी को ऑनलाइन कैसे और कहाँ देख सकते हैं। ये जो मूवी है दोस्तों हिंदी में भी आ गई है। आप इस मूवी को Amazon प्राइम पे जा कर के ईज़िली देख सकते हैं। Amazon प्राइम पे ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है। इसको 6.5 की रेटिंग मिली है IMDB पे। बहुत ज़बरदस्त मूवी होने वाली है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं लाठी मूवी की। जी हाँ दोस्तों, विशाल का एक्शन ड्रामा छोटी मोटी खामियों से भरपूर है ये मूवी। निर्देशक विनोद कुमार की लाठी, जिसमें विशाल, सुनैना और रमाना ने अभिनय किया है। उत्कृष्ट स्टंट कोरियोग्राफी के साथ एक सम्मोहक एक्शन ड्रामा है। हमारी परीक्षा कहती है कि फिल्म अधिकांश भाग में आपका ध्यान खींचने में सफल रहती है। विशाल को सुपरहिट फिल्म दिए हुए काफ़ी समय भी हो चुका है। इवरुम्बू थिराई के बाद विशाल की कुछ फिल्में हैं जिन्हें मिश्रित क्षमता मिली, जबकि अन्य बिना किसी निशान के चली गई। अब विशाल लाठी के साथ वापस आ गए हैं, जो एक और पुलिस ड्रामा है जिसका उद्देश्य उसी तरह की फिल्मों से अलग होना है। क्या उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा किया? ये तो दोस्तों हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। एक क्रूर बलात्कार होता है और पुलिस अपराधी की तलाश में है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस कांस्टेबल मुरुगनाथम को सच कबूल कराने के लिए उसे कड़ी फटकार लगाने के लिए कहा गया। बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्होंने एक व्यक्ति पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया है। मानवाधिकार मामले के बाद गुरु गनाथम को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। एक दिन गुरु मथान का सामना गलती से उस अपराधी से हो जाता है जिसने जघन्य अपराध किया था। इसने उसके जीवन और करियर की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। क्या मुरुगनाथम अपराधी के प्रकोप से बच जाता है? क्या वह उस महिला को न्याय दिलवाएंगे जिसकी दुखद मौत हो गई? लाठी के पास उन सवालों के जवाब हैं। विनोद कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित लाठी एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को काफ़ी हद तक आश्चर्यचकित करती है। ऐसे समय में जब कॉलीवुड में पुलिस व्यवस्था में बेहतर पदनाम वाले पुलिसकर्मियों के बारे में फिल्मों का बोलबाला है, यह फिल्म एक पुलिस कांस्टेबल के बारे में है। एक ऐसा चरित्र जिसे तमिल सिनेमा में बड़े पैमाने पर नहीं देखा गया है। एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में विशाल कायल है। वह नौकरी की बेगता को सामने लाता है और दिखाता है कि कैसे सिस्टम निचली श्रेणी के कर्मचारियों का समर्थन नहीं करता है। उन्हें लाठी विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है और यही कारण है कि उन्हें निलंबित कर दिया गया है। फिल्म कुछ हद तक पुलिस की बर्बरता का भी महिमामंडन करती है। 6 महीने बाद जब वह बहाल होता है तो उसे लाठी छूने से डर लगता है।
ये कुछ शानदार स्पर्श हैं जो आपको पहले भाग में मंत्रमुग्ध कर देते हैं। जहां विशाल को एक गैर वीर भूमिका वाली एंट्री मिलती है, वहीं खलनायक को पूरी फिल्म में प्रचारित किया जाता है। पहले भाग में खलनायक नकाबपोश होता है, लेकिन जो लोग कॉलीवुड को फॉलो करते हैं वे बड़े खुलासे से पहले ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि खलनायक कौन है। लाठी फिर चूहे बिल्ली का खेल बन जाती है, जो दिलचस्प है। विनोद कुमार ने अधिकांश भाग में रहस्य बनाए रखने का असाधारण काम किया है। हालांकि लैथ बिना खामियों वाली फिल्म नहीं है। जब फिल्में बलात्कार के बारे में बात करती हैं तो क्रूरता को स्क्रीन पर दिखाने के बारे में सोच समझकर निर्णय लेने की जिम्मेदारी पूरी तरह से निर्देशक के होती है। लाठी में बलात्कार बहुत अधिक ग्राफिक और अरुचिकर तरीके से किया गया है। हम इस बात से सहमत हैं कि उनके साथ बलात्कार हुआ था, लेकिन उसे दोबारा देखने की कोशिश कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कुछ डायलॉग्स बेहद बचकाने और हास्यास्पर्धा हैं। क्लाइमैक्स भी एक बिंदु से आगे खींचा गया है। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म शानदार स्टंट कोरियोग्राफी पर आधारित है और उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कैसे पीटर हैन को साधुवाद जिन्होंने सावधानी पूर्वक स्टंट दृश्यों को डिज़ाइन किया। लाठी पति पत्नी के बीच संतुलित रिश्ते को दिखाने का भी अच्छा काम करती है। यह आपको पालन पोषण की अच्छी सीख भी देता है। जब मुरुगनाथम और उसकी पत्नी सुनैना के बेटे रासू को घबराहट के दौरे पड़ते हैं तो वह उसके लिए सही मदद लेते हैं। ये एक स्वागत योग्य बदलाव है, खासकर तब जब हम फिल्मों से परेशान करने वाले बच्चों को देखने के आदि हो गए हैं। विशाल के लिए लाठी उन कमज़ोर फिल्मों से अलग हैं जिनका वह पिछले कुछ वर्षों में हिस्सा रहे थे। फिल्म में विशाल ने शादी हुई परफॉर्मेंस देने की पूरी कोशिश की। सुनैना, रमाना, प्रभु, लिरिसा, राघव और कई अन्य लोगों ने प्रदर्शन के मामले में मुख्य कलाकारों की सहायता की। बाला सुब्रमण्यम और बालकृष्ण थोटा की सिनेमाग्राफी और संगीतकार युवान शंकर राजा के संगीत ने फिल्म को बढ़ाने में मदद की। कुल मिलाकर लाठी एक अलग पुलिस वाली फिल्म है और अधिकांश भाग में आकर्षक है। लाठी को 5 में से 2 पॉइंट स्टार दिए गए हैं और IMDB में भी इसको दोस्तों अच्छे स्टार मिले हैं। 10 में से 6 के करीब इसको स्टार IMDB पे भी मिले हैं। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको एक बार देखनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो मूवी को जा करके जल्दी से जल्दी देखिए। आप इस मूवी को ऑनलाइन कहाँ देख सकते हैं मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ इसी वीडियो में कि आप इस मूवी को ऑनलाइन कैसे और कहाँ देख सकते हैं। ये जो मूवी है दोस्तों हिंदी में भी आ गई है। आप इस मूवी को Amazon प्राइम पे जा कर के ईज़िली देख सकते हैं। Amazon प्राइम पे ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है। इसको 6.5 की रेटिंग मिली है IMDB पे। बहुत ज़बरदस्त मूवी होने वाली है।